बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ। ये वो सुबह नौ में एक और नई सुबह, एक और नया आगाज, एक और नई दिन, एक और नया बात। अच्छा, आज के दिन भी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेकर आएंगे, खबरों का तस्करा भी होगा, साथ में ये कि जो गर्मी की शिद्दत है उसके हवाले से भी बात होगी, और साथ साथ ये भी कि गर्मी की शिद्दत में एक दूसरे के जितना कोई मुश्किल होती है ना, उसमें काम भी कैसे आना, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और वैसे भी एक दूसरे की मदद जो है वो करना इंसान का एक उसका ऐसा अमल है जो बड़ा खूबसूरत अमल है। कहते हैं कि इंसान इंसान के काम आए, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। अपने लिए जीना तो बड़ा आसान होता है, अपने लिए तो कोई भी जी सकता है, लेकिन जीना जो है वो दूसरों के लिए, किस तरह से आप चलते उठते बैठते खाते पीते अपने साथ साथ आप दूसरों की भी मदद करें। और दूसरों की मदद जो है सिर्फ माली मदद के हवाले से नहीं होता, किसी के पास इतना नहीं होता कि वो माली मदद करके जो हेल्प आउट करे, और ऐसा माल जो जायज माल हो उसके साथ मदद करे, तो वही जो है अमल सही अमल होता है। और साथ साथ अगर जिसके पास नहीं है तो वो खुद हिम्मत करके खुद अपनी शख्सियत से जो है वो मदद कर सकता है, चाहे वो जो है किसी का साथ देकर, किसी के मुश्किल वक्त में उसके साथ बात कर भी, जिसना कोई बीमार होता है तो उसकी दीमारदारी कर भी, या फिर तो कहीं राह चलते हुए कुछ किसी की कोई रुकावट हो उसको दूर करना भी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अब ट्रैफिक में ट्रैफिक का हाल देख लें, जिस तरह से जब बुरा हाल हो रहा होता है उस टाइम पर जब आप अपने अंदर तहम्मुल पैदा करके किसी अगले को रास्ता दे देंगे तो वहां पर भी जो है आप समझे कि एक तरह की मदद कर रहे हैं। क्या पता कोई बहुत जल्दी में हो, घर जाना चाहे, तो आप रिलैक्स होकर दूसरों को रास्ता भी दे दें। तो मदद करना जो है वो एक तो एक इंसान के अपने अंदर का दिल को सुकून देता है। आप देखें जिस दिन आप किसी की मदद करेंगे रात में बड़ी अच्छी नींद आती है, कोई जो है वो दो लोग सोच रहे होते हैं या नींद नहीं आ रही है, दवाइयां खा रहे हैं, कुछ काम नहीं आता, लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं तो ऑटोमेटिकली नींद भी अच्छी आती है, पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है, और इंसान की जिंदगी खुद ब खुद बेहतर भी होती चली जाती है। समझ में नहीं आती कि कहाँ से अल्लाह फिर आपकी मदद करना शुरू कर देते, किधर से कौन शख्स आपके लिए जो है काम आना शुरू हो जाता है। तो ये मदद हमेशा जारी रखें, चाहे किसी के जॉब से रिलेटेड हो, चाहे किसी के जो है यहाँ तक कि किसी आपके नेबर को कुछ किसी चीज की जरूरत हो, चाहे आप एक अच्छे शहरी की तरह, यहाँ तक कि अगर आप अपने आप को एक अच्छा शहरी बनाएंगे वो भी एक बहुत अच्छी मदद है। तो बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो आज हम शेयर करेंगे आपसे, लेकिन फर्स्ट आपके वाले से जो हमारे साथ गेस्ट है उनको हम दावत देते हैं। शहजाद शाह जिलानी इज सीनियर जर्नलिस्ट, उनको हम दावत देंगे कि प्लीज वेलकम। कैसे हैं आप, कुछ क्या क्या कह सकते हैं? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। होपफुली आप ठीक ठाक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, आज तो हमारा टॉपिक है मदद के हवाले से, क्या कहेंगे? मदद तो हमारे उसमें भी है, मजहबी फरीजा भी है, और जितनी भी तलकीन हिदायत हैं हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, औलिया अंबिया पैगम्बरान दीन जो है उनकी टीचिंग ऑफ लाइफ भी ये है कि मदद, हेल्प आउट अदर्स। इसमें सबसे बहुत अहम बात ये आती है कि मदद किस तरह की जाए। वो मदद के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है कि मॉरली आप किसी को मदद करते हैं, एक होता है कि माली तौर पर अगर आप माशाल्लाह मुस्तहकम है, अच्छे जिसको कहते हैं मुखय्यर हजरात की लिस्ट में आते हैं कैटेगरी में, तो आप किसी की मदद करते हैं। एक मदद होती है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचें और अच्छा मशवरा दें, अच्छा मशवरा देना भी ये मदद है। तो ये मदद की इतनी सारी कैटेगरीज हैं कि आप जिस तरीके से जिसकी मदद करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर कोई कहता है जी मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे पास तो इतना नहीं है, तो वो गलत सोचता है। आप किसी के लिए मदद ये भी होती है कि अगर आप कोई अगर आप देख रहे हैं कि गलत फैसला कर रहा है, किसी गलत फैसले की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको रोकना भी मदद है। बिल्कुल। बाकी और मैं बहुत खूबसूरत कुरान मजीद की सूरत पढ़ी, सूरह माउना, बड़ा बहुत बहुत इतना प्यारा तर्जुमा है ना उसका, पूरी सूरत का। उसमें एंड में जो बात का जो डिटेल में जिसपे उसपे वजाहत अगर करें तो उसमें इस तरह है कि कोई छोटी से छोटी चीज भी मांगता से ना करें, बाद लोग उससे भी ना करते हैं और कहते हैं मैं क्यों मदद करूं किसी की, मतलब वाली एक बात आ जाए, वो नहीं। चाहे कोई आपसे छोटी सी भी चीज मांगे तो उसके लिए भी वो भी मदद करना जरूरी है, और मना नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए जहां पर आप मदद कर सकते हैं। और हम आएंगे खबरों की जानिब भी, और खबरों के साथ एक और बात मैंने अपने नाज़रीन से करनी थी। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग जो हमें फीडबैक देते हैं,
जिस तरह से और जिस तरह से आप लोग हमारे शो को जो अप्रिशिएट करते हैं। कल का शो भी बहुत पसंद किया गया था, माँ के हवाले से शो था, तो नेचुरली बात है जहाँ माँ का नाम आता है वहाँ पर वैसे ही जो है उस हवाले से बात करने का भी दिल करता है। सच अ गुड फीलिंग, एक इतनी अटैचमेंट है माँ से कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोग के बे इंतहा एप्रिसिएशन का और बहुत ज्यादा बड़े फीडबैक का भी। अच्छा खबरों की जाने बात है, सबसे पहली खबर है अवाम तरक्की के दुश्मनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बयान। जी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों में वो जो सारा मामला चल रहा है हमने पहले भी डिस्कस किया है, पनामा लीक्स और मुखालफीन हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की तरफ से जो तनकीद आ रही है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब एक तजुर्बेकार सियासतदान हो जाते हैं, आपको बहुत अच्छा सियासत में हो जाता है, तो आप फिर ऐसे फैसले करते हैं जिससे आप ये एक्सटैंड करते हैं, आप एज ए लीडरशिप क्वालिटी आप छुपते नहीं हैं किसी के पीछे, आप फ्रंट पे आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब ने वही काम किया है जो ओपनली फ्रंट पे आए हैं और उसको लीड कर रहे हैं। एक कहते हैं कि कप्तान, अच्छा कप्तान कौन होता है जो फ्रंट से लीड करता है। वजीर आजम के ऊपर जितने भी इस वक्त बातें हैं, जो भी चीजें हैं मीडिया के ऊपर ऑपोजिशन की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर, शुरू में जाहिर है हर कोई प्रेशर लेता है, लेकिन अब वो जो अवाम की तरफ जा रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट आंसर कि आप अवाम के पास जाएं, लेट पब्लिक एंड पीपल डिसाइड कि जो भी मामला चल रहे हैं क्या वो प्रोपोगेट किया जा रहा है आपके खिलाफ, या आप जो है आपको आप जो वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं उसमें नो डाउट हमने देखा कि हुकूमत के बीच में धरनों वाली सियासत भी हुई थी, हमने देखा मुख्तलिफ तरीकों से ये हो रही थी, घर जाने की बात भी हो रही थी, और उन सारे बहरानों से ये निकल कर हुकूमत आई है। वजीर आजम ने अपने आप को एक अपना कैरेक्टर शो किया, लोगों को साथ लिया, मुख्तलिफ पार्टीज के सरबराहान से बातचीत की, कभी पीपल्स पार्टी के सरबराह से, कभी किसी और जमात के सरबराह से, लेकिन यह है कि उन्होंने अपने आप को फंसने नहीं दिया। और अहम चीज ये है कि तरक्की की तरफ जो काम है उस पे जो है ज्यादा फोकस उन्होंने रखा। और आप जब भी देखें, जब भी कोई हुकूमत बहरान का शिकार होती है तो वो डिफेंसिव पे चली जाती है, मतलब कि वो वजाहतों में पड़ जाती है, और उसके अंदर वजीर आजम ने अपना एक हक इस्तेमाल किया, कौम से खिताब किया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की और दोबारा सेकंड टाइम अब वो उस चीज पर हैं कि अब वो वजाहतें नहीं देते पड़े, अब वो जा रहे हैं पब्लिक के पास और जो उनको बात करनी है वो पब्लिक फोरम पे कर रहे हैं। और काबीना का जो इजलास हुआ उसके अंदर भी काबीना ने जो है उनके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस एक उसका इजहार किया, रिपोज किया कॉन्फिडेंस। और साथ में एक और चीज अच्छी है वो ये कि इस सारी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं आप जब वो कहता ना कि समटाइम्स आप थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, फिर आपको एक बकअप एक मिलता है, बकअप मिलता है फिर आप एकदम से चुस्त हो जाते हैं, फिर आपकी रवानी होती है, स्पीड होती है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी यही मामला है कि अब वो उस फेज में आ गए कि नहीं, आई हैव टू डिलीवर मोर, ताकि लोगों की तनकीद या जो उंगलियां उठ रही हैं वो उठना बंद हो जाए। और जो तनकीद हो रही है वो तनकीद को का जवाब यही है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो उस पॉलिसी पे मेरे ख्याल से अच्छा है कि ये मायूसी नहीं हो रही, या वो एक हम हमारे पास तबसरे या तजिए सिर्फ ये नहीं हो रहे कि अच्छा आप क्या होने जा रहे, तो वे फॉरवर्ड है और बहुत पॉजिटिव है। जी आगे हम अगली खबर की जानिब भी आते हैं और वो है कराची समेत सिंध भर में शदीद गर्मी, हीट स्ट्रोक से 4 अफराद हलाक। और कराची में फिर भी जो है हमने देखा सिलसिला चल रहा था पानी पिलाने का भी, और पानी जो है वो सड़कों पे भी जो है वो दिया जा रहा था, लेकिन अंदरूनी सिंध में जो है क्या हालात हैं, किस तरह से वहां पर जो है निमटने की जरूरत है, प्लीज जरा इस पर आने से पहले एक छोटा सा कमेंट और एक रह गया उस पहली वाली बात। जी बिल्कुल दीजिएगा। जो अब देखें जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर गए वहां मानसेरा मेरा चक्कर लगा था कुछ अर्सा पहले, तो वहां पर पानी पीने का गैस वगैरह का बड़ा एक इशू था, इतना मतलब मानसेरा खूबसूरत साथ में आबाद है और सारी अच्छे डेवलप्ड एरियाज हैं, लेकिन वहां पर पानी और गैस का नहीं था। अभी फिर उन्होंने जो ये हाईवे जो है उसका जो उन्होंने संग बुनियाद रखा जो कि सेकेंड फेज है, जो कि हवेलिया से जो है वो शंक्यारी का जो है 6 लेन एक होगा, तो ये जो कम्युनिकेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये नो डाउट कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं माजी की हुकूमतें हैं इस हुकूमत ने बहुत ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, साथ में 800 अरब रुपए के जो अभी इन्होंने अनाउंस किया है 2-3 दिन पहले उसके अंदर रोड नेटवर्क के हवाले से,
तो ये सी पैक के बहुत ज्यादा चीजें जो सी पैक के अंदर आ रही हैं, बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो अपनी जो उनके विजन से, तो ये जितनी डेवलपमेंट होगी मामला बेशक सियासी कुछ भी चलते रहे, तो ये है कि अच्छी बात ये है कि डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। और अभी मूडीज की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें भी बहुत पॉजिटिव एक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं कि एक साल दो साल के बाद जो है बड़ा अच्छा पॉजिटिव उसमें। बिल्कुल। अब कमिंग बैक टू योर सेकंड न्यूज जो कि हीट स्ट्रोक के हवाले से जो है, बिल्कुल गर्मी बढ़ रही है, शिदत बढ़ रही है। अच्छा एक कॉलर से भी बात कर लेते हैं फिर इससे आएंगे, सॉरी टू कट यू, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई का शिदत की उनको भी सलाम, तमाम लोगों को जुम्मत मुबारक की मुबारकबाद और बहुत बहुत दुआएं। आज का आपने मदद का जिक्र किया, मदद के हवाले से मैं कहूँगा फारसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे पांव जमा देगा। मदद क्या है अल्लाह की, कि हम इबादत के साथ साथ उसकी मखलूक की मदद करें, तालिब इल्मों की रहनुमाई, जरूरतमंद तालिब इल्मों की मदद। अगर अल्लाह ने आपको दिया पढ़ने के शौकीन तालिब इल्मों की मदद, कोई रोजगार चाहता है, तालीम हासिल कर चुका है, आप अच्छी पोजिशन में, उसको रोजगार दें, उसके टैलेंट को निखारें। इसी तरह कोई बीमार है, दवा इलाज नहीं कर सकता, आपके पास सहूलतें हैं, उसका इलाज कराएं। हमारे मुल्क में इस चीज की जरूरत है कि कदम कदम पे अपने भाई बहनों की मदद की जाए, सोचने इंशाल्लाह की खुशहाली आएगी। और आपने खुद से फरमाया इससे हमें ज़ाती सुकून मिलेगा। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बाशऊर लोग हैं, अपने तौर पर बड़ी मदद कर रहे हैं, उनकी चीज आगे बढ़नी चाहिए। और इस चीज हमें तरकीब और ताकीद और उनके लिए आगे बढ़ने की मदद करनी चाहिए। एक होता है कि सिर्फ आपने उस टाइम पे खाना खिला दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने जो है उनकी उस टाइम पे माली मदद कर दी, लेकिन मदद उनकी ऐसी करे कि वो खुद कफील हो जाए बाद में, किसी से जो है उनको मांगना भी ना पड़े। अच्छा हमारे साथ खालिद साहब हैं, उनसे बात करते हैं फिर हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद साहब। मैं फिर बिल्कुल मैं कोई नॉन क्रिटिकल बात करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरा कोई सियासत से दूर का ताल्लुक है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि आई हेल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मानसेरा। और एक वक्त ऐसा था कि हम गांव से इस्लामाबाद डेढ़ पौने दो घंटे में आ जाते थे, अब आम हालात में भी हमें पांच छह घंटे लग जाते हैं, और स्पेशली अगर ईद का या वीकेंड का मौका हो तो बारह बारह घंटे लग जाते हैं। और इतनी बुरी ट्रैफिक जैम होती है, क्योंकि सड़क वही है जो हमारे दादा परदादा के वक्त में थी या उससे थोड़ी सी चौड़ी होगी, होगी तो सिंगल रोड, आबादी इतनी मैनीफोल्ड हो गई है। मैं ये जो सड़कों का स्पेशली इससे जो उसको अंडरस्टैंड किया गया इस इलाके की उसको, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा विलेज जो है इट इज लोकेटेड ऑन मेन कुराक्रम हाईवे, और कुराक्रम हाईवे अगर मेन हाईवे जो है अगर वो 12-12 घंटे ब्लॉक हो जाती है, इतना रश होता है, कोई या वही पुराने वो जो है टाउन गए जिनके अंदर बाजारों में से वो सड़क गुजर के जाती है, जहरी बात है कि वहां पे इतना रश होता है कि ट्रैफिक स्लोक हो जाती है। तो मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट है और ये फ्यूचर का वो है। जैसे मोटरवे बनी, यहाँ से हम लोग कभी सरगोधा या फैसलाबाद जाना था पूरा पूरा दिन लगता था, अब इस्लामाबाद से दो ढाई घंटे तीन घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं, और उसके साथ जो रिलेटेड तरक्की है मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और क्योंकि मैं उस इलाके से हेल करता हूँ, तो इस वक्त सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है उस एरिए में डेवलपमेंट का इनकार वो इसी के ऊपर है कि कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। खबर की तरह जी, ये जो उस पर बात हो रही थी हीट स्ट्रोक पे, अब जैसे वो आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एक अब ये ग्लोबल एंड नोन फिनोमेना है कि अब आपके पास गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर राइज होगा। What we need to do is take all possible precautions, कि जितने भी हम एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। मुझे एक चीज है कि हम तनकीद तो करते रहते हैं सर, लेकिन पिछले हफ्ते एक बात की बहरहाल खुशी हुई कि सिंध हुकूमत ने एडवांस में कुछ अपनी तैयारियां की। कराची में बहुत ज्यादा इस तरह के रिलीफ सेंटर्स जो हैं हीट स्ट्रोक के बनाए गए, लेकिन अब देखें मसला वही है कि जहां कैमरा की आग पहुंचती है सिर्फ उस हद तक फिर आप चीजों को यकीन बनाते हैं कि इधर जो है वो सहूलत मुहैया की जाए, लेकिन असल जहां गर्मी पड़ती है, जहां गरीब आदमी है, जिसके पास बिजली नहीं है, जिसके पास एसी नहीं है, जो
कम्यूट नहीं कर सकता, जिसके पास मोटर गाड़ी नहीं है, इवन मोटरसाइकिल नहीं है और उसको पैदल चलना पड़ता है, हीट स्ट्रोक का वो शिकार और निशाना बनता है, उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स है वो थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कि साथ साथ में ये है कि एक हुकूमती सतह पर एक इकदाम होते हैं और एक हुकूमत से हटकर भी होते हैं। बहुत ज्यादा मैं जानता हूँ पर्सनली, बहुत ज्यादा इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरफ काम कर रही हैं। देखिए पहले क्या होता था कि जी एक डिजास्टर आया, आपकी बात जो आपने कहा कि जी उनकी मदद की, उनको डिपेंडेंट बनाया गया, लेकिन अब बहुत ज्यादा इस तरह भी काम हो रहा है कि आप सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं लोगों को। इस तरह के लोग भी मैं जानता हूँ जो कहते हैं, चाहते हैं कि हमारा नाम ना आए, क्योंकि हम ये अल्लाह की खातिर जो है, एक अपना इंसानियत की खातिर अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, उसमें वाटर कूलर्स वो दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, जाके लोगों को सर्वे करके वहां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, एयर कूलर पहुंचा रहे हैं, वाटर कूलर्स पहुंचा रहे हैं, इस तरह की बहुत ज्यादा चीजें। हम सब समझते हैं कि इंसान जो है वही इफेक्ट होता है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आए दिन मैं देख रहा हूँ और खुद भी मैं कोशिश करता हूँ कि फॉरवर्ड करूँ कि इवन परिंदों के लिए भी ये कहा गया है कि अगर आपकी बालकनी के अंदर आप एक प्याला पानी का रख दें तो वो जो प्यासा परिंदा है वो भी वहां पर पानी पिएगा, तो उसकी भी दुआ लगेगी कहीं ना कहीं से। तो जितनी मदद कर सकते हैं, इफ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, अगर आप इस काबिल हैं, जिस तरह हमने जो ट्रेनिंग हम देते हैं अपने बच्चों को यही है कि एक जो छोटी जो बॉटल होती है मिनरल की, उसके अंदर पानी भरकर, वो हमने ये बताया हुआ है अपने बच्ची को कि जब भी आप बाहर निकले, वेन एवर यू सी समवन के जो रोड पे है और वो लग रहा है गरीब है, तो आप ये गाड़ी रोककर उसको ये पानी की बोतल दे दीजिए। और जो डॉक्टर्स जो आपको एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं उसको प्लीज जरूर फॉलो करें। एक पूरे प्रिकॉशंस है, एक पॉइंट्स है, किस तरह बचा जा सकता है, किस तरह, वो तो आपको ज्यादा डॉक्टर्स बेहतर उस पर उस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। लेकिन मेरी छोटी सी गुजारिश ये है आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि जो भी लोग हैं मुखैर हजरात हैं, उनके साथ साथ जो हुकूमती सतह पर, आप प्लीज इंश्योर ड्रिंकिंग, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वो पब्लिक हेल्थ की सप्लाई लाइन्स के थ्रू मिलना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि मार्केट से वो खरीद। तरफ ही मैं आ रही थी, स्पेशली जो है हमने सेकंड हाफ अभी वैसे रखा डॉक्टर्स के हवाले से, वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे भी, लेकिन जो अंदरून सिंध का इस वक्त जो हाल है और जो है स्पेशली हम ये देखें कि बिजली के हवाले से कई घंटों तक बिजली नहीं होती है और साथ में गर्मी भी है, फिर वहां पर क्या लोगों का अवेयरनेस है, वहां पर लोग कैसे अपने आप को जो है वो संभाल पाएंगे, क्योंकि पानी का भी जिस तरह बात अभी आप ही ने खुद की कि पानी जो है वो भी साफ वहां पर देना सबक भी हाजिर हुई है जी। अब वो यही है कि आपकी अब तो रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, जो भी मंसूबे इस तरह के हुकूमत ने दिए हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्लॉज नजर आ रहे हैं, कहीं पता चला कि वो मंसूबे काम ही नहीं कर रहे। आर ओ प्लांट की अक्सर हम बातें सुनते हैं, अभी एक कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन क्या देना है, ये डिपेंडेंसी है कि अच्छा वो आर ओ प्लांट है, अच्छा उसका जो जनरेटर है उसमें वो डीजल है या नहीं है, अच्छा उसकी मेंटेनेंस हुई या नहीं हुई, इसका मतलब कि अगर मेंटेनेंस नहीं हुई, वो नहीं चल रहा, तो पानी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो होता है, जो आपका नेचुरल वाटर है उसके थ्रू अगर आप करें, और साथ में एक अवेयरनेस ड्राइव कैंपेन भी आप चलाएं, गवर्नमेंट जब इतनी सारी इश्तहारात पे पैसा खर्च करती है तो आप इस पर भी पैसा खर्च करें कि पॉजिटिव अवेयरनेस दें कि हाउ टू सेव वाटर। वाटर इज एसेंशियली एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आने वाले 10, 12, 15 सालों के अंदर है। डोंट वेस्ट वाटर, जितना हो सकता है पानी की बचत करें, पानी की किल्लत से बचें। और जो ठीक है वाटर टेबल नीचे जा रहा है जरूर, आप जो बोरिंग कर रहे हैं, जो आपके हैंड पंप्स हैं उसमें भी अब वो मजा नहीं है, आर्सेनिक किस्म का पानी वो निकल रहा है जो कंटेमिनेटेड है, वो आप नहीं पी सकते WHO की तरफ से। लेकिन यू हैव टू अरेंज सर्टन व्हाट अबाउट अभी जिस तरह से अब अगेन वो बात आ, अगस्त सितंबर में जो सैलाब की सूरत आएगी उसके लिए भी अभी से ही वही वाली बात आती है कि प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये है कि हम वो कहते हैं कि जब पानी कहते हैं ना पुलों के नीचे से गुजर चुका है, तो अब वो नहीं होना चाहिए, पानी को गुजरने दें, लेकिन इस तरह करें कि आप कम से कम उसके कुछ स्टोरेज, कुछ रिजर्वर्स बना दें। बहुत ज्यादा देखें, बहुत इस तरह की चीजें, अभी हम डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं, थरपारकर अभी आपके सामने उस पर पता नहीं कितनी बार बात हुई है, और भी बहुत ज्यादा पसमानदा इलाके हैं। बात यही आ रही है कि अनटिल और अनलेस यू डोंट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, ये जो छोटे छोटे ये जो जुगाड़ है, इससे आप ठीक है पैसा तो अलग खर्च हो रहा है, कोई फायदा भी नहीं मिल रहा, गो फॉर लॉन्ग टर्म प्लान। डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने का, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने भी बताई हैं, और लेकिन मजीद हम इंपॉर्टेंट बातें बिल्कुल बताएंगे और स्पेशली हीट स्ट्रोक के हवाले से, लेकिन जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक में वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें।
लेकर मुसलमान एक उम्मत एक कौम एक सोच एक फिक्र एक आजाद रियासत। Headline News is brought to you by UFON. पाकिस्तान के कोने कोने में तेजी से फैलता हुआ UFON 3G Network. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ मैं हूं ज़ियाउर रहमान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जलसों की मुहिम पर नहीं तरक्की के सफर पर निकला हूं, खुशहाली की राह में रुकावट बनने वालों को आवाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का हजारा मोटरवे के हवेलिया थाकोट सेक्शन का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने मानसेहरा में मवासलात तालीम और कुदरती गैस समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों रुपए मालियत के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। नया पाकिस्तान का दावा करने वाले अपनी कारकर्दगी बताएं, नवाज शरीफ। जब से ये जल्जले आए हैं किसी ने उस पर काम नहीं किया। उस यूनिवर्सिटी को अभी 66 करोड़ रुपया दिया है थोड़े दिन पहले, आज मैं 100 करोड़ रुपया आप देने का ऐलान कर रहा हूं। वजीर आजम का हजारा यूनिवर्सिटी के लिए मजीद 1 अरब रुपए, तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद 2 गुना करनी है। एबटाबाद सर्विस रोड, मानसहरा बाईपास, काला ढाका को बिजली की फराहमी, जल्जले से मुतासर सड़कों और स्कूलों की बहाली और कब्रिस्तानों के लिए जमीन की फराहमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी, वफाकी हुकूमत 8 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करेगी। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का मानसहरा में ऐलान। तनाज़ात और उनकी वजूहात के खात्मे से ही पायदार अमन मुमकिन है। तनाज़ात के मुतासरीन की बेहतर जिंदगी के लिए कमीशन की इस्तेदाद में इजाफा होना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी का अमन साथ कमीशन पर मुबाहसे में खिताब। पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस सरमायाकारी कंपनी का क्याम, पाकिस्तान जर्मनी और बरतानिया के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत, कंपनी रवां साल जुलाई से काम शुरू कर देगी। वजीर खजाना इसहाक डार। मूडीज के बाद IMF ने भी पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया, सितंबर में मौजूदा प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान को मजीद कर्ज की जरूरत नहीं, IMF। वफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर हुकूमत को 300 अरब रुपए दिए, रकम इलाके पर खर्च होती तो आजाद कश्मीर के मसाइल हल हो जाते। चौधरी बिरजीत ताहिर और डॉक्टर आसिफ किरमानी का बाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कौमी असम्बली के हल्के 267 झलमक्सी में जिमनी इंतखाब, 152 पोलिंग स्टेशनों का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद खान मक्सी को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार यार मोहम्मद रिंद पर वाजह बरतरी। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का जहलम के करीब फौजी मशकों का मुआयना, दुश्मन के हमले को जवाबी इकदाम से नाकाम बनाने का अमली मुजाहिरा। हज दरखास्तों की आज होने वाली कुरानदाजी मुलतवी, कुरानदाजी की नई तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में किया जाएगा, तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर। और फैसलाबाद में पाकिस्तान कप, बलोचिस्तान ने इस्लामाबाद को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से हरा दिया, मुकाबले BTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
नाज़रीन हेडलाइंस आप जान चुके हैं, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हमने पूछा आपसे TCS क्या करता है, तो आपने कहा डॉक्यूमेंट्स, पार्सल, चीजें डिलीवर करता है। जब वक्त की टेंशन हो तो TCS कर दो, कहीं भी कुछ भी भेजना हो तो एक बात जानता हूँ, TCS कर दो। सही कहा, लेकिन अब TCS लाया yevo.com। क्या yevo.com, जिस पर गुलाब से लेकर गुलाब जामुन तक, जूसर से लेकर जनरेटर तक सब कुछ मिलता है। आज डिलीवरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में TCS डिलीवर करेगा, बेहतरीन डिलीवरी और पेमेंट जैसे आपकी मर्जी, जब चीज मिले तो पेमेंट करते, और अगर चीज पसंद आए तो आपके हाथ कोरियर को लौटा दें। तो ऑर्डर कैसे करें? www.yevo.com पर आए, कॉल करें 1111-9298-6 या किसी भी TCS एक्सप्रेस सेंटर पर आ जाए, या हमारी ऐप डाउनलोड करें yevo.com। अब पूरी कॉम yevo.com। खुश आमदीद एक बार फिर, और जैसा कि आपको ब्रेक से पहले भी हमने बताया कि अब बात होगी थोड़ी सी गर्मी के हवाले से, क्योंकि गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, उसकी शिद्दत जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है, और जिसकी वजह से जो है लोगों को जो है एक तो डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ जो है और बहुत सारे जो है नुकसान भी होते हैं। तो क्या क्या उनको जो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, और किस तरह से जो है इस गर्मी से जो है गर्मी की वजह से जो बीमारियां आती हैं उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और खास कर आपको हम ये बताएं कि आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, वो इसलिए कि एक तो स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स के साथ साथ बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी आमदोरफ्त काफी ज्यादा रहती है, और दूसरा ये भी कि बच्चे जो है सेंसिटिव होते हैं, बच्चे काफी हद तक सेंसिटिव होते हैं, और उनको उसी तरीके से हैंडल भी करना जरूरी है, कितना उनको पानी पीना चाहिए, कितना लिक्विड लेना चाहिए, किस तरह से जब वो बाहर जा रहे हैं तो उनके कपड़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी प्रोटेक्शन उनको जो है वो देनी चाहिए, और जैसा जंक फूड है उससे बचाकर उनको कौन सी गजा देनी चाहिए जिससे एटलीस्ट उनका जो है जो जो कहते हैं ना कि गर्मी से बचाव के लिए भी जो गजाएं होती है ऐसी गजाएं जो जरा ठंडा भी रखती हैं और आपको जो गर्मी से जो बीमारियां थी उससे भी दूर रखती हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं साथ साथ ट्यूशन भी जा रहे हैं, शाम में खेल भी रहे हैं, तो उनका ख्याल रखना इस वक्त बेइंतहा जरूरी है। उसके हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर शमाइल ज़िया मौजूद है, और डॉक्टर निमरा भी हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले हम डॉक्टर शमाइल ज़िया से हम स्टार्ट लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो, हर चीज आपने उसमें समराइज कर दी, समराइज की ताकि हम ये बात करेंगे तो आपने भी सुन लिया ना पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब बात जो हो रही है वो हो रही है, देखें एक तो कराची में सिंध में तो बेइंतहा गर्मी है, इसके साथ साथ ये है कि अब गर्मी और भी आगे बढ़ती जा रही है, तो हम अभी से कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आज से ही हम प्रिवेंशन, बल्कि हमने तो काफी ज्यादा शोज किए भी हैं, लेकिन हम करते रहेंगे कंटिन्यूसली ये शोज ताकि लोगों को अवेयरनेस है। तो आगाज करते हैं सबसे पहले के बच्चों के हवाले से, क्योंकि आज बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं, तो बच्चों को बेसिकली जब स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, और जो है खेलने कूदने जा रहे हैं, उनको उनके लिए गजा, उनका ख्याल कैसे रखा जाए, उनके कपड़ों का कैसे ख्याल रखा जाए, और उनका जो है हाइड्रेशन का कैसे ख्याल रखा जाए। थैंक यू नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी, आपका और आपकी पूरी टीम का, और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट समराइजेशन यू हैव डन, कि आपने कम्प्लीट जो है सारे के सारे सवालात को, बहुत जो एक ऐसे सवालात जो आपके हर देखने वाले के दिमाग में होते होंगे डेफिनेटली, और आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से पूछा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वन बाय वन इन सारी चीजों का जवाब दूं। अच्छा, अब जो बात हो रही है हीट स्ट्रोक पे या जो हीट वेव पे और बच्चों के ऊपर क्या असर आते हैं, उससे पहले जो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया था
और उस लास्ट प्रोग्राम में जो एक मैसेज जो मैंने बार बार दिया था, मैं दोबारा देना चाहूंगा कि कराची और सिंध में क्या वजह है कि बहुत ज्यादा अब हीट वेव आने लगी है, बहुत ज्यादा गर्माइश बढ़ने लगी है, पहले तो वहां से बचाओ ना। बिल्कुल, तो आपने प्रिवेंशन की बात की तो मैं बिल्कुल उसी चीज को आगे लेता हुआ जो है मतलब आगे बढ़ूंगा कि ग्रीनरी खत्म होती जा रही है सिर्फ पूरे मुल्क में, खासतौर पर जितने बड़े बड़े शहर हैं ग्रीन पेंट तो कर दिया जाता है मगर दरख्त नहीं लगाए जाते, जिसकी कमी की वजह से ये हीट वेव या ये हीट का ज्यादा मतलब जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। और दरख्त भी वो लगाने जिसका फायदा जिसका हो, फायदा हो। अक्सर औकात हम ये भी देखते हैं लोग आंखें बंद करके कोई भी दरख्त लगा देते हैं बस वो ग्रीन लगे, ग्रीन लगना खाली जरूरी, उस दरख्त के फायदे भी देखें, फायदे कौन। और उसमें एक चीज और भी ऐड करूं कि इसमें ये चीज भी मैटर करती है कि किसी एक जगह पे या टुकड़ों में जरूरत नहीं है, इसका बेसिकली साइंस ये होती है कि पूरी एक बेल्ट होनी चाहिए या फिर किसी भी शहर के अंदर एक खास एरिया जो है आपने मुख्तस करना पड़ेगा, मुख्तस करना चाहिए जो बेसिकली उस पूरे सिटी को ठंडा रखता है। तो बेसिकली जो ग्रीनरी है इट एक्ट्स लाइक अ एयर कंडीशन, और हमने क्या किया है कि जी हमने उस एयर कंडीशन की तार को या हमने उस एयर कंडीशन को हटा दिया रूम से और अब हम जो है वो करा रहे हैं, अब हम चीख रहे हैं कि इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो बेसिकली हमें वापस से एयर कंडीशन लगाने के लिए ग्रीनरी जो है वो अपने शहरों में या अपने मुल्क में स्टार्ट करनी पड़ेगी। नंबर वन पे देखिए सबसे बड़ी मिसाल जो है वो दुबई की आती है जहाँ पर उन्होंने ग्रीन बेल्ट जो है बहुत सारी लगाई है, और वहाँ पर आप देखिए कि कभी बारिश का तस्वीर भी नहीं था कि अब जो है वो गरज चमक होते लोग हैरान होते हैं अब क्या हो गया, ये दुबई में क्या चेंजेस आ गए। ये कोई चेंजेस ऐसे नहीं, ये चेंजेस जो है अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि हमें क्या करना है जिससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वहाँ पर रेगिस्तान था तो वहाँ पर जो है ग्रीन आ गया, यहाँ पर जो है बिल्कुल कहना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये चीज के सबसे पहले दरख्त लगाएं। और ये बच्चों, अब क्योंकि बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों को जितने भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं आपके तवस्सुत से, आपके सारे देखने वाले खासतौर पर इतने स्कूल मैनेजमेंट के लोग देख रहे हैं, उनको ये एडवाइस करना चाहूंगा कि जब आप उनसे कोई स्कूल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो डेफिनेटली उनकी हॉबी में एक चीज और ऐड करें, गार्डनिंग। क्योंकि आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज में या मल्टीपल जगहों पर गार्डनिंग को बहुत फोकस किया जाता है, उसमें PhDs होती हैं, उसमें मास्टर्स होती हैं, बाकायदा गार्डनिंग इज अ साइंस। तो हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पूरी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ग्रीनरी है, तो मैं इसलिए ग्रीनरी पर थोड़ी सी ज्यादा बात करना चाह रहा था। तो ये तो हो गया, गार्डनिंग पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा और खासतौर पे बच्चों के दिमाग में ये चीज डालनी पड़ेगी। और बच्चों का दिमाग इस तरह का होता है कि अगर आप सिर्फ उनको मुंह से बोलेंगे तो वो सुनेंगे नहीं, आपने उनको करके दिखाना होगा, उनके साथ करना होगा, तब वो अपनी लाइफ में हैबिचुअल होंगे उस काम के लिए। नंबर वन तो ये हो गया कि ग्रीनरी पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। नंबर टू ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस गर्मी में हीट वेव में हीट स्ट्रोक के सबसे ज्यादा चांसेस एक्सट्रीम ऑफ एजेस में हम जिसे कहते हैं, एक तो बच्चों में होते हैं या एक उन लोगों में जो 65 ईयर से ऊपर हैं। ये दो लोग जो हैं या ये जो दो कैटेगरीज हैं इनमें हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अच्छा, पहले मैं बच्चों को जो है जिक्र करूंगा उसके बाद। अच्छा, अब देखें सबसे पहली बात तो ये कि अब तो छुट्टियां भी करीब हैं, पड़ने वाली हैं, मगर छुट्टियों से पहले बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं या जो बहुत ज्यादा, और जो बिल्कुल आपने सही कहा ट्यूशन जा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड जाते हैं। अब खासतौर पर बहुत रुझान कम हो गया है, मैं देखता हूँ कि पहले हम अपने जमाने में एक वो बॉटल लेके जाया करते थे आपके बच्चों को, मैं देखता हूँ टिफिन भी होता था, अब वो चीज बहुत कम होती जा रही है, अब वो बिल्कुल नापैद होती जा रही है और ये चीज बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले हमें हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा ख्याल करना होगा, और हाइड्रेशन का कुछ इस तरह की साइंस है कि आपने जो 8 साल से जो कम बच्चे हैं, मतलब 8 साल से जिनकी एज नीचे है, उनको तकरीबन 150 ml, यानी कि अगर एक जो इसका कहने का मतलब ये होगा तकरीबन 3 गिलास, तो दिन में मिनिमम 3 गिलास वाटर तो उनको पीना ही पीना है जो उनको मेंटेन रखेगा उनकी हाइड्रेशन को। नंबर वन तो ये हो गया। नंबर टू ये कि जब भी आप अपने बच्चों को बाहर भेजें, अमूमन लोग करते हैं ये कि गर्मी में मतलब टी शर्ट पहना दी बच्चों को और खोल दिया पूरे जिस्म को, वो बेसिकली वो ये भी एक बहुत बड़ा मैथड है। क्या पहनना चाहिए इस पे बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर निमरा हमारे साथ मौजूद है, उनको भी हम दावत देते हैं कि वो भी तशरीफ लाएं। और बच्चों के स्पेशली जब दांत निकल रहे होते उस वक्त उनको बड़ी डिहाइड्रेशन हो जाती है, किस तरह से जो है उसकी चीज का ख्याल रखना है। प्लीज वेलकम, तशरीफ रखिएगा।
अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो उसकी वजह से उनको डायरिया होता है, लेकिन होता इसलिए है क्योंकि बच्चे जो है जब वो मुंह में अपने हाथ डालते हैं और वो ज्यादातर हाथों में जरासीम भी होते हैं तो उसकी वजह से उनको डायरिया होना शुरू हो जाता है या कोई भी चीज उठा के वो मुंह में डाल लेते हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि बच्चों को बेसिकली जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि किस तरह से बच्चा जो है जब वो दांत निकाल रहा है और वो भी उस वक्त एक कोई छोटा बच्चा है और गर्मी जो है वो भी ज्यादा है तो किस तरह से उनको इस टाइम पे जो उनका ख्याल रखने की जरूरत है। बिल्कुल, इस बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है और उसके दांत निकल रहे होते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है कि जब एक माँ और एक बाप अपने बच्चे के दांतों का खास ख्याल रखे, क्योंकि बचपन से वो रखेगी तो बड़े होते तक दांत उसके ठीक रहेंगे। तो एग्जैक्टली यही करना चाहिए कि उनको उनकी सबसे पहले तो उनकी एक ब्रशिंग हैबिट बना दी जाए, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनसे खुद से किया नहीं जाता, तो अम्मी को चाहिए या अब्बू को चाहिए कि वो खुद थोड़ी एफर्ट लगाएं और खुद बच्चे के दांत ब्रश करें, उसे सिखाएं कि भाई इस तरह करते हैं। और बाकी ये कि फ्लोराइड टूथपेस्ट लेके आएं बच्चे के लिए, और ये कि उसकी जो डाइट है, उसकी जो डाइट हैबिट्स हैं वो मेंटेन रखें अच्छे से, शुगरी थिंग्स जो हैं वो बिल्कुल कम की जाएं और जो हेल्दी फूड है रोटी चावल वो ज्यादा खिलाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे के जब दांत निकल रहे होते हैं तो उस वक्त जो है उसको किस तरह से उसको जो है प्रोटेक्शन उसकी की जाए, और उसको जो खारिश भी हो रही होती है कि वो जाहिर वाला वो फिर हर चीज जो है वो उठा के वो जो है मुंह में डालने की कोशिश करते, चाहे वो हाथ ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई चीज ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, इस तरह भी होता है। और ये कि जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो उसके मुंह में एक या दो दांत आते हैं सबसे पहले, तो उस टाइम पे ब्रश नहीं करते दांतों पे, क्योंकि मोस्टली तो बच्चे के मुंह में गम्स हैं तो गम्स पे अब ब्रश करेंगे तो कितना छिल जाएगा। तो क्या करते हैं कि एक मलमल का कपड़ा लेके उसको गीला करके उसको थोड़ा उंगली पे चढ़ा के तो उससे उसका मुंह जो है कि वो उसके साफ करें, जो है वो खारिश भी ना। बिल्कुल, मुंह को बेसिकली आपने कहा कि साफ रखना जो है वो जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शमाइल की तरफ दोबारा आते हैं, कपड़ों पे बात हो रही थी कि कपड़े जो है कौन से पहनाने चाहिए बच्चों को जिससे जो उनको जो है हीट स्ट्रोक से बच सके, गर्मी से बच सके। बिल्कुल नाजिया, इसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि एक में तो होता है कि जितनी गर्मियां हो उतने कम कपड़े पहनो तो उतने ही आप कूल रहेंगे, जबकि साइंस इसके अपोजिट है। साइंस ये कहती है कि जितनी गर्मियां होंगी या जितनी भी गर्म जगह हैं वहां पे आपने अपने आप को कवर्ड रखना है। अच्छा। बहुत सारे लड़के जो हैं एक खास फैशन अपनाते हैं कि जब वो टी शर्ट पहनते हैं या वो शर्ट पहनते हैं तो अपने कॉलर को ऊपर कर लेते हैं, तो वो समझते हैं यार वो जो क्रिकेटर्स करते हैं कॉलर को ऊपर वो बड़ा अच्छा स्टाइल है। हाँ। और वो मतलब वो एक स्टाइल होता है क्रिकेटर्स का। बेसिकली वो स्टाइल नहीं, दिस इज प्योर साइंस। वो साइंस ये है कि आपने बेसिकली ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है गर्दन का, जब आप चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, बाहर होते हैं, तो सूरज की शुआएं सबसे ज्यादा हिट करती हैं आपके इस एरिया को, फेस को तो करती हैं, इसको भी करती हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन कर रहा होता है। तो अगर अब आप किसी को भी कॉलर ऊपर करके देखें तो वो बेसिकली एक साइंस है उसके पीछे, वो बेसिकली उस जगह को सेव कर रहे होते हैं। और एक तो ये साइंस है, और दूसरी के लॉन्ग हेड पहने, हम तो एक पी कैप पहनते हैं और अब वो एक फैशन और आ गया कि जी पी कैप आप पहनेंगे तो उसको भी टिल्ड कर देंगे, तो बेसिकली वो आपको संदेश से सेव नहीं कर रहा कवर, अब उसको पी कैप स्ट्रेट रहने। और ठीक है, अच्छा हमारे कॉलर है मिसेस परवेज, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप क्या कहेंगे, क्या सवाल आपका? मेरा सवाल ये है, मेरी पोती के बारे में है, वो 4 महीने की है और मुझे फील हो रहा है कि वो जैसे दांत निकाल रही है ना, क्योंकि वो कोई चीज पकड़ती तो यूं अपने मसूड़ों में दबाती है और उसके साथ उसे मोशन भी हो रहे हैं, तो मुझे ये डॉक्टर से मालूम करना है कि ऐसे छोटे बच्चों के लिए क्या आप एडवाइस करोगे कि इतने छोटे बच्चे उसको तो कुछ दे भी नहीं सकते कि वो दांत जो है वो आसानी से निकाल सके, तो उसके लिए मुझे कुछ बताएं कि क्या करना चाहिए इतने छोटे बच्चे के लिए। ओके जी, एक कॉलर और है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नदीमुल्ला खान अर्ज कर रहा हूँ जी, कराची से। जी जी जी, सवाल बताइएगा। आपका प्रोग्राम जो है ना बहुत अच्छा है, मैं बाकायदगी से देखता हूँ और माशाल्लाह जो आज आपका टॉपिक है ये भी बहुत अच्छा है। तो मुझे पूछना मैडम ये था कि ये बच्चों के हाथ में जो जरासीम तो खैर लगते ही है, अगर ये छोटे छोटे छाले भी निकल आते हैं बालों का हाथ पे, तो ये और जिस्म पे भी हल्के हल्के से ना जैसे जल जाए तो वो छाला सा बन जाता है,
एक सवाल करना चाह रहे हैं, मुझे बताइएगा कि ये जो आप बच्चे की बात बता रहे हैं, पूरे जिस्म पे खारिश करता है बच्चा रात के टाइम पे खासतौर पे? बच्चा जो है वो खारिश करता है बालों का, लेकिन ये अपने छाले वो मुस्तकिल निशान। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ना बॉडी पे ये घर में किसी और को खारिश है इस तरह की? और बच्चे की एज कितनी? भाई ने उनके भी है, उनके भी पेट के पास ये जो फ्रंट पेट है ना, इसका हिस्से पे छाले निकल आते हैं, वो उसके थोड़ी सी शुगर है ना जी। नहीं नहीं सर, ये बेसिकली ये एक खारिश की बीमारी है जो घर में अगर किसी एक को हो जाए। में बता दें ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। पहले ऐसा करते हैं हम जो है डॉक्टर निमरा से जो मिसेस परवेज के सवाल का जवाब देते फिर आप। जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि उनकी 4 मंथ्स की बेटी है और वो मुंह में भी हाथ काफी डाल रही है और उसका पेट भी खराब हो रहा है, तो इस स्टेज में तो बच्चे हर चीज मुंह में डालने को होते हैं क्योंकि उनकी वो उनको इरिटेशन हो रही होती है, उनके दांत निकल रहे होते हैं। तो क्या एक तो उनके हाथ बिल्कुल जैसे कि यू नो साफ रखने चाहिए हर बारी, और बाकी ये कि जब दांत निकल रहे होते हैं बच्चों के तो एक मार्केट में एक चीज अवेलेबल होती है एक टीदर के नाम से, वो उनको दे दिया जा सकता है, तो वो जब उस पर बाइट करते हैं तो रिलैक्स। तो ये कि उसको भी आप जो है बॉयल साफ करके बिल्कुल साफ करके फिर उसको बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हादिया की कॉल, फिर मैं आपसे जो है उनके सवाल का जवाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हादिया कैसी है? नाजी, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं तो कहूँगी कि आप अपने शो का टाइम बढ़ाएं 11 से 11:30 तक करें। चले सही, ठीक है। और ये प्रश्न चाहूंगी डॉक्टर साहब से कि जो हमारे गम्स में स्वेलिंग हो जाती है और तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें? ठीक है, मसूड़ों में सूजन और ब्लीडिंग होती है, इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो पहले कॉलर थे उनके सवाल का जवाब। जी नाजिया, इसमें जो उन्होंने सवाल पूछा था, हमें डिजीज को स्केबीज कहते हैं, अगर वो सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। स्केबीज में बेसिकली होता यह है कि बच्चे खासतौर पर और अमूमन मर्द हजरात जो मल्टीपल जगहों पर जा रहे होते हैं, बच्चे खासतौर पर जो स्कूल में मदरसों में वहां पर जाते हैं, तो वहां पर और भी बच्चे आ रहे होते हैं, मतलब एक कोई ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोगों का मिलाप हो रहा हो या बहुत सारे लोग बैठ रहे हो आ रहे जा रहे हो, वहां पे क्या होता है बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है सार्कोप्टी स्केबियाई का, वो आपके कपड़ों में या वो आपके स्किन पे आ जाता है और वो बेसिकली खारिश जो है जनरेट करता है पूरी बॉडी के अंदर। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत आसान सा होता है। अब मैं प्रोडक्ट का जो नाम है वो ट्रेड नेम तो नहीं लूंगा, एक मैं उसका जेनरिक नेम जो हम दवा का जो हम पढ़ते हैं वो बता देता हूँ। परमेट्रीन जो है वो हम पूरी बॉडी पे पेशेंट को लगाने को बोलते हैं, गर्दन से लेकर पैर तक। परमेट्रीन वो मल्टीपल कलर की आती है, उसमें पिंक में भी आती है, व्हाइट में भी आती है। तो परमेट्रीन जो है बेसिकली हम गर्दन से लेकर पैर तक पूरे जिस्म को लगाने को बोलते हैं, 2 रात जो है हम लगवाते हैं। और अमूमन इसमें मल्टीपल डॉक्टर्स या लोग जो गलतियां करते हैं वो सिर्फ उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके बीच में हमेशा ये याद रखा जाए कि जब भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपने खासतौर पे ये बात पूरी फैमिली मेंबर्स को सबको बतानी है कि आप अगर इस मरीज को ठीक कर रहे हैं तो 1 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद ये दोबारा आ जाएगा हमारे पास। ओके, ओके, क्योंकि एक साथ आपने अगर जितने भी लोग हैं घर के एक साथ आपने उनको ट्रीट करना है, और वो कोई ट्रीटमेंट बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, लोशन जो है वो 2 रात लगाना है और 3rd दिन सुबह नहा लेना है। बिल्कुल। नंबर 2 ये कि जो भी बेडशीट्स हैं या जो रोजमर्रा के कपड़े जो उस मरीज ने पहने हैं उनको धुलवा के आप सिर्फ जो है उसको टंगा दें धूप में, हाँ। तो दैट्स इट, वो उसको कवर कर देगा। तो ये तो जवाब वाली बात आती है कि हर दफा बाहर जाए तो किन किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन जरमीना, फिर मैं उनके जो सवाल था मजदूरों से जो खून है उसके बारे से बात करेंगे। जरमीना, अस्सलाम वालेकुम। जरमीना जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे बात करनी है। जी जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मुझे कॉल नहीं मिलती तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मिली है बाय सम सॉर्ट ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल भी किया। जी आगे क्या कहेंगे? आगे मैं ये कहूँगी कि हम जो एडल्ट हैं हम क्या इस्तेमाल करें नहाते वक्त, कौन सा सोप इस्तेमाल करें या ना करें, किस तरह, क्योंकि इरिटेशन होती है। ठीक है, ठीक है, मतलब वही बचाव की बात आ गई ना कि कैसे करें। बहुत अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अभी हम ऐसा करते हैं डॉक्टर निमरा से वो मसूड़ों पे खून और सूजन के बारे में बात हमने की। जी
बिल्कुल, मसूड़ों में खून आना और सूजन की निशानी ये होती है कि जो बंदा है वो उसकी सही से प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही है, वो सही से सफाई नहीं कर पा रहा है, तो तब गम्स में से खून आने लगता है। तो इसके लिए ये है कि स्केलिंग ज़रूरी होती है, जब खून आने लगे तो स्केलिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, तो डेंटिस्ट के पास जाके एक अपॉइंटमेंट लेके तो स्केलिंग पूरी मुंह की करा लेनी चाहिए और फिर उसको मेंटेन रखना चाहिए कि एवरी सिक्स मंथ्स के बाद जाएं अपने मुंह की सफाई जो है ये ज्यादा है इसमें इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, इसमें मुंह की सफाई जी, जब खाना पसा रह जाता है कुछ इस तरह से तो फौरन वहाँ से मसूड़े फूल जाते हैं, डेंट फ्लॉस भी करते हैं। एग्जैक्टली, और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद आप माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, डेंटल फ्लॉस करें दिन में एक दफा, ब्रशिंग को अपनी ठीक रखें दिन में दो दफा, ठीक है, और एक अच्छी फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट लेके उससे ब्रश करें। किरण जो है हैदराबाद से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी किरण जी। नाजिया, मुझे आपसे ये पूछना था, ये जो डॉक्टर हीट स्ट्रोक जो है ना बात कर रहे हैं, तो मतलब मेरा बेटा है 10 ईयर्स का, उसे पसीना बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है, क्या फिर मैं उसे डेली ORS लो और स्मॉलर दे सकती हूँ? अच्छा, ये मुझे मुझे मैम इसमें एक्सक्यूज मी मैम मुझे एक चीज पूछनी है कि आपकी आपके बच्चे की एज कितनी है? 7 ईयर्स। अच्छा, तो अमूमन जो पसीना आप बता रही हैं कि पूरी बॉडी में ज्यादा आता है? जी जी, पसीना बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, क्या ये सर्दियों में भी आता है पसीना ज्यादा? सर्दियों में जी आता था, लेकिन जब वो खेलता था जब आता था, बेटे के टाइम नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो आपको निमकॉल का पानी है ना, वो आपने बिल्कुल आधा जवाब तो दे दिया कि निमकॉल का पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना है आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बाबा, शुक्रिया। अच्छा, और वो जो उन्होंने कहा था कि जो नहाने के हवाले से कि क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें कि जो गर्मी, हाँ, एक तो कोई बीमारियां कोई जो है ना वो ना आए। उससे पहले मैं आपकी बात को पॉज करूंगा, और मैं ये देख रहा था आप लोगों जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है हैप्पी मदर्स डे, तो अच्छा हुआ याद दिला दिया, तो मैं अपनी मदर को मॉम को बोलना चाहूंगा, मॉम आई लव यू। पता नहीं मेरा शायद नेक्स्ट प्रोग्राम में 8 मई के बाद हो, तो अभी से मॉम आई लव यू सो मच और एडवांस में हैप्पी मदर्स डे। तो अच्छा, उसमें मैं फिर अब उस बात को वापस आऊंगा आपके उसके ऊपर कि सबसे पहली चीज तो ये कि जो इन्होंने मैडम ने लास्ट सवाल पूछा था कि निमकॉल का पानी जो है वो आपने वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, क्योंकि हमने अपनी सारी चीजों को कोला ड्रिंक्स के ऊपर, हमने बर्गर्स के ऊपर, खासतौर पर फास्ट फूड के ऊपर और उसके भी ज्यादा बेसिकली कोलास के ऊपर ना, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उस पर हमने शिफ्ट कर दिया है। हम जो है पानी नहीं पीते, हम जो है जूस नहीं पीते, हम सिर्फ ड्रिंक्स पिए जाएंगे, और बेसिकली वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है, नंबर वन ये। नंबर टू ये कि निमकॉल का पानी एक इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यानी कि गर्मियों में अगर आप निमकॉल का पानी पी रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। वो स्पेशली जो उन्होंने वो नहाने के हवाले से भी किया था कि क्या चीज इस्तेमाल करें, अक्सर लोग जो वो पिंकी के नाम से आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहाने में कौन सा, उन्होंने पूछा था कि कौन सा सोप, बिल्कुल वो मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इनका जवाब दे रहा था कि निमकॉल का पानी इन्होंने बस अपने बच्चे का पानी देना, ठीक है। अच्छा, एक और रिकॉर्डर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर बहुत सारे तो उसने शॉर्ट जवाब दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल बताइएगा। आप टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप जी जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा है तकरीबन उसकी उम्र 6 साल है जी जी, और उसे टांग में झटके लगते हैं जिसकी वजह से एक जगह पे वो रुक नहीं सकता और चलते चलते कभी गिर भी जाता है और एक जगह पे अपने आप को कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, सवाल का जवाब दे लेते हैं, आपने कुछ सवाल जी जी मैं, अच्छा ये मैंने न्यार सर्जन जो दिखाया उसको दिमाग वाले टांगों में झटके जो लग रहे हैं ये कितने अच्छे से लग रहे हैं उनको? ये तकरीबन 2.5 साल से लग रहे हैं सर। बाहर के डॉक्टर को जो दिखाया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर एपीवाल सिरप चलाया 1 महीने के लिए। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा कि वो झटके सिर्फ टांगों में और आते हैं या पूरे जिस्म में आते हैं? नहीं, पूरे जिस्म में भी कभी कभी आते हैं, लेकिन टांगों में ज्यादा चलते रहते हैं, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 7 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो वो जो इन्होंने शरबत स्टार्ट किया वो बिल्कुल सही किया है, एपीवाल शरबत 1 महीने के लिए चलाया, उससे फर्क नहीं पड़ा, उसने अब दूसरा टेबलेट चलाई हुई है फेनामेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ऐसा करें आप इसे दोबारा दिखाएं क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है ये, तो इसको इस तरह से ना छोड़ें, इसको दोबारा आप जरूर दिखाइएगा। अच्छा, एक और, अच्छा ठीक है, और वो स्पेशली हाइजीन के हवाले से अगर हम बात करें तो हाइजीन के हवाले से आप भी थोड़ा सा इनपुट दीजिएगा कि क्या क्या स्पेशली गर्मियों में हाइजीन के हवाले से ख्याल रखें किस तरह से।
आई थिंक गर्मियों में जो है कि वो आई थिंक दो दफा दिन में नहाना चाहिए ताकि बिल्कुल भी पसीना ना रहे बॉडी पे, और उसके अलावा बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, और ये कि मेरे ख्याल से कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए ताकि डिहाइड्रेट भी ना हो, और ये कि और दूसरों को भी बताएं कि इसी तरह करते रहें, ठीक है, और दूसरों को पानी पिलाते भी रहें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और भी जो मैम की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा डॉक्टर साहबा की, कि वो जो गम वाली बात थी उसमें विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो विटामिन सी की कमी से बेसिकली मसूड़ों की स्वेलिंग होती है, तो उनके लिए जवाब ये वो जो खातून ने कॉल की थी कि मल्टी विटामिन जो है रोजाना एक महीने तक लें, क्योंकि विटामिन की कमी की वजह से मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, एक चीज तो ये। अच्छा, दूसरी चीज मैं ऐड करूं कि जो सोप की बात थी, जल्दी जल्दी थोड़ा मैं तेज बोलूंगा जवाब ताकि सारे समराइज कर सकूं, जो सोप की बात की थी उन्होंने, जितने भी व्हाइट सोप होते हैं, अब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलूंगा, सोप का नाम नहीं लूंगा, मगर जितने भी एंटी बैक्टीरियल सोप हैं उनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा खतरनाक है आपकी स्किन के लिए। अमूमन लोगों को ये लगता है कि हम एंटी बैक्टीरियल या जरासीम मारने वाले जो बड़े बड़े सोप्स हैं वो आप यूज करेंगे तो उतना ही बेहतर आपकी स्किन होगी, बेसिकली उसमें जितने भी केमिकल्स होते हैं वो फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको चोट लग गई है तो उसके आसपास का हिस्सा धोने के लिए तो काम आता है, मगर उसको रेगुलर यूज में यूज करने से आपकी स्किन खराब होगी, नंबर वन तो ये हो गया। नंबर टू, मार देता हूँ वो अच्छे बैक्टीरिया नहीं, बेसिकली उनमें जो केमिकल्स होते हैं जो एज ए एंटी बैक्टीरियल यूज होते हैं वही केमिकल्स आपकी स्किन को इरिटेट कर रहे होते हैं, और एक जो बात मैंने बोली कि जख्म पे आप सिर्फ सादे पानी को यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जख्म पे अगर आप वो सोप भी लगाएंगे तो उसमें भी इरिटेशन होती है, वो केमिकल इरिटेट कर रहे हैं। एक और कॉलर है नारोवाल से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सवाल बताइएगा। डॉक्टर साहब से पूछना ही चाह रहा हूँ कि मेरे पाँव में आजकल पसीना बहुत आता है। हाँ ठीक है, पसीना आता है या आपकी हथेलियों में भी आता है पसीना? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये हाइपर हाइड्रोसिस का केस है ये। ओके अभी बताते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी बिल्कुल, हाइपर हाइड्रोसिस जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं पसीने का ज्यादा आना, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें हम एक क्रीम देते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड जो है हम लगवाते हैं हाथ में और पैर में, और इसके मल्टीपल और भी इसमें जो है मल्टीपल और भी दवाएं दी जाती हैं, तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जी आपने अपने हाथों को जो है सूखा यानी कि मल्टीपल टाइम आपने पसीना उसको पोंछ के रखना है, ठीक है, क्योंकि जितना पसीना ठहरेगा उतने इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर एल्युमिनियम के नाम से एक लोशन आता है, मगर वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की स्किन वाले के पास जाएंगे तो तब इसका ट्रीटमेंट इजीली पॉसिबल है, बट एल्युमिनियम जो है वो हम लगवाते हैं और भी मल्टीपल इसके ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे से कॉल कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है, जिसे बच्चे का आए दिन सर गर्म रहता है मेरे, इसके बारे में। बिल्कुल, इसमें मुझे ये बताइएगा कि गर्म रहने का मतलब क्या, कि आपने टेम्परेचर से चेक किया है, क्योंकि बहुत अक्सर यही सवाल पूछा जाता है, आपने थर्मामीटर से चेक किया है टेम्परेचर? नहीं, जैसे इसको कोई भी उठाता है या बच्चे को कोई भी लेता है, ठीक है, डेढ़ साल। अच्छा, नहीं मतलब आपने आए दिन इसका स्तर इतना गर्म होता है जिसे बुखार हो, थर्मामीटर से चेक किया आपने टेम्परेचर? नहीं नहीं, ठीक है, आपने सिर्फ, अभी मैं एक एडवाइस दूंगा, कोई दवा नहीं दूंगा, सिर्फ आपने अगले 3 या 4 दिन तक थर्मामीटर से सिर्फ टेम्परेचर चेक करना है, और मैं आपको 99.9% कह देता हूँ वो टेम्परेचर नॉर्मल आएगा, वो ये सिर्फ गर्माइश, ये मेरी वाइफ को भी होता है ये कि बच्ची गर्म हो रही है, बेसिकली जब मैं थर्मामीटर लगाता हूँ दिखाता हूँ वो होता है कभी कभार जब आपकी बॉडी की हीट बढ़ रही होती है तो बॉडी उसको पसीने के सूरत में या गर्म होकर निकाल रही होती है उस हीट को, तो माए जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, ठीक है, सही, इस चीज का ख्याल रखें और पहले टेम्परेचर से चेक कर लेंगे, ऐसे ना आप हाथ थर्मामीटर से। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम सलाम जी, आप क्या कहेंगे? जी मैंने डॉक्टर साहब से यह पूछना है कि मेरा छोटा भाई है, उसे आज जिसम बहुत गर्म रहता है। अच्छा नहीं, अब इसमें थोड़ा सा मुझे सवाल पूछना है, उसकी एज कितनी है, कितनी एज है पेशेंट की? 4 साल। 4 साल है, बस ठीक है, फिर आप भी पहले उसको थर्मामीटर से जरूर चेक करें, और उसको खांसी या कुछ और तो नहीं रहता?
नहीं सर ठीक है सर, आप पहले चेक कर रही है तो थर्मामीटर से जो अमूमन जो माएं होती हैं वो समझती हैं कि उनका हाथ जो है वो एदर थर्मामीटर काम करेगा, वो हाथ लगाती हैं, मेरी अम्मी भी हाथ लगाती हैं, ओहो तुम तो आज गर्म हो रहे थे, मैं बताता हूँ कि अम्मी बात बहुत गर्मी है अभी अभी आया। तो जहाँ पे एलर्जी की बात आती है वहाँ पर ये बताइएगा डॉक्टर डिमरा के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे एलर्जी हो सकती है, जिससे दांत अक्सर जो है खाने के बाद जो मसूड़े सूजने लगते हैं, अक्सर सुना है कि रेड मीट खाने के बाद या बड़ा गोश्त खाने के बाद जो है वो अक्सर लोगों के दांत सूज जाते हैं। बिल्कुल, और ज्यादातर सिट्रस चीजें अगर आप ले रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं उसकी, जैसे कि लेमन हो गया या ऑरेंजेस हो गए, उससे भी कई बार लोगों को फौरन से एलर्जी रिएक्शन हो जाता है। और इसके अलावा एक और बात ये भी है कि इन चीज़ों का इतना ज्यादा इनटेक लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये थोड़े एसिडिक होते हैं, और जो एसिड है वो हमारी जो इनेमल होती है, जो हमारे दांत की फर्स्ट लेयर, फर्स्ट वाइट लेयर होती है, उसको इरोड करती जाती है, उसको खाती जाती है, और जब वो उसको पतला कर देती है खा खा के, तो उसमें फौरन कीड़ा लगने लगता है। तो इस तरह जो है कि वो कैविटी भी डेवलप हो जाती है। तो इन फ्रूट्स का और इन चीजों का इस्तेमाल थोड़ा कम। अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, इसमें ऐड भी करूँगा जितनी भी कोला ड्रिंक पीते हैं वो भी बेसिकली जो उसकी कवरिंग होती है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा, वही चीज कमजोर कर रही होती है, तो बेसिकली आपके दांत भी डीके हो रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर है फारूक हमारे साथ पेशावर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वाईक सलाम जी, क्या सवाल आपका? जी मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, ये मेरा 2.5 साल का बच्चा है, लड़का है ना, वो बातें सही नहीं कर सकता। अच्छा ओके। अच्छा आपके जो बातें सही नहीं कर पाता उसमें आपका कहने का मतलब क्या है कि मतलब वो क्या तोतला रहा होता है या प्रॉपर बोल नहीं पा रहा होता? नहीं, वो लफ सही तरीके से नहीं बोलता, ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं तो एक या दो लफ ज्यादा बोल देते हैं। अच्छा क्या जो एज के बच्चे हैं वो काफी रवानगी की बातें करते हैं। इसमें मुझे सर मुझे एक चीज बताएगा कि क्या आपके घर में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है, मतलब एक से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं आपके घर में? हर पश्चो उर्दू सब बोली जाती है, ये बच्चा ज्यादातर कार्टून को देखता है। नहीं कार्टून तो देखते हैं आप, कार्टून आप, देख रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं आपके घर में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मतलब कितनी जबानें बोलते हैं आप लोग आपस में बच्चे के साथ? दो बोलते हैं, दो पश्तो और उर्दू, चले वो तो ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या क्या कोई ऐसी चीज है कि एक ही काम को वो बार बार करे जा रहा होता है? इसमें मतलब ये भी है ना, ये जमीन से रेत वगैरह उठा के ये भी खाता है। नहीं नहीं, ये मैं बात समझ गया आपकी कि कोई भी काम, मतलब कोई भी काम या कोई भी वर्ड या कोई भी अल्फाज को बार बार बोल रहा होता है, ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल से बोलते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं लेकिन बोलता नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा क्या ये मुमकिन हो सकता है? ऑटिज्म लग रहा है मुझे, ये एक वर्ड हम ऑटिज्म भी होता है या नहीं? नहीं, इसमें देखें कुछ चीजें होती हैं, ऑटिज्म का एक वर्ड होता है जिसमें बच्चे थोड़ा लेट बोलते हैं या एक ही काम को बार बार परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चे का ना बोलना, या फिर उसमें ये होता है कि अगर मल्टीपल लैंग्वेजेज या बहुत सारी जबानें बच्चे एक ही घर में बोली जा रही हैं तो उन बच्चों में जो जो स्टार्ट ऑफ स्पीच होता है वो बहुत डिले हो जाती है। तो ये मल्टीपल चीजें, तो इसमें सिर्फ मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक साइकाइट्रिस्ट को, बेसिकली पीडियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट को देखते हैं, मगर एक बच्चों के डॉक्टर को जो खास तौर पे पीडियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट का एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उनको दिखाना है क्योंकि वो फिर इसको चेक करेंगे। स्पीच थेरेपी पहले तो हम डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसको स्पीच थेरेपी के ऊपर मूव कर लेकर जाएंगे। और ठीक है, कॉल रहे हैं उनसे बात करते हैं और वो है अहमदाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, जी क्या कहेंगे, सवाल बताइएगा। डॉक्टर से सवाल ये करना था। जी जी की कीजिए। मेरे चेहरे पे पसीना बहुत ज्यादा आता है और उससे स्मेल होती है थोड़ी शदीद की। अच्छा ये स्मेल कितनी रात, ये मछली की तरह स्मेल होती है, मतलब डेड फिश, या बहुत ज्यादा बुरी स्मेल होती है? आपकी बात सुनी, मतलब स्मेल जो आप बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बुरी स्मेल होती है? हाँ जी, स्मेल बुरी स्मेल होती है फिश ऑर्डर से। आइए तो फिर उसको स्मेल आती है, उसकी स्मेल आती है। ठीक है, अभी आपको बताते, कुछ और सवाल तो नहीं करना? नहीं मैं ठीक है, ओके थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा इनकी डायग्नोसिस फिश ऑर्डर सिंड्रोम हम कहते हैं, फिश ऑर्डर सिंड्रोम का मतलब ये होता है
कि पसीने से जो डेड फिश होती है, मछली होती है, उसकी तरह स्मेल आती है। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट करना इस तरह के पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं पर भी बैठते हैं जाते हैं तो वो थोड़ा स्मेल आ रही होती है। तो इसमें इसमें मल्टीपल तरह से ट्रीटमेंट होता है, तो मैं इसकी बहुत लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आपने जिल्द के डॉक्टर को आप दिखाना है, अपने करीबी जिल्द के डॉक्टर को, जो क्वालिफाइड जिल्द का डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, उनको आपने दिखाना है और होपफुली इसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी, गिलगित से कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं खालिद बात कर रहा हूँ गिलगित से। जी, मैंने डॉक्टर साहब से सवाल करना है। यानी मेरे रात को हर वक्त जिस्म गर्म होता है और बुखार होता है, और दिन को सुबह शाम इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नजर जुकाम तो नहीं रहता आपको? पसीना आता है और बुखार होता है। नहीं, ये अच्छा सर मुझे ये बताएगा कि आपके डॉक्टर शमाइल बात कर रहा हूँ। अच्छा सर मुझे ये बताएगा कि आपको मतलब आपका वजन कम हुआ है पिछले कुछ अर्से में? हाँ, वजन मेरे तकरीबन 2 किलो वजन कम हुआ है। अच्छा सर, एक तो पहली बात ये कि टीवी की वॉइस बंद कर दीजिएगा, और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि इस तरह के अलामात घर में किसी और को भी हैं? नहीं, ऐसे किसी को नहीं है। ठीक है, अच्छा ये आपने सही है। अभी एक और कॉलर भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, इनके सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अपना सवाल बताइएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो है ना डॉक्टर से पूछना था कि मेरे जो है ना हाथ और पांव में वो खारिश निकल जाती है, यानी बहुत ज्यादा खारिश निकल जाती है। चलिए ठीक है, आपको सवाल का जवाब भी देते हैं, दोनों सवाल जल्दी से जवाब देता हूँ। ये हाथ और पांव में जिनको खारिश है, स्केबीज है, पर मेथिलीन का लोशन अपने गर्दन से लेके पैर तक पूरे जिस्म पे 2 रात लगाना है, और तीसरे दिन नहा लेना है सुबह। ये तो इसका हो गया जवाब। दूसरा, वो जो वजन की कमी और वो बता रहे थे, अब इसमें देखें 2-3 चीजें हैं, या तो मलेरिया हो सकता है, या टाइफाइड, या फिर ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ये 3 चीजें हो सकती है। तो इसमें इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो मैं आपसे ये आप जो अगर आप देख रहे हैं सर, तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज अपने मेडिसिन के डॉक्टर के पास, किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी छोटे वैद्य के पास, या किसी छोटे जीपी के पास नहीं, हमने किसी बड़े हॉस्पिटल में मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाना है, वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। और इसको ऐसे मत छोड़िएगा प्लीज, क्योंकि अगर आपको खुदा ना खासा टीबी की अलामत होंगी ये, तो वो आपके बच्चों में, आपके घर में भी फैलने के चांसेस हैं। और इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अगर खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, 0.1% चांस है कि अगर आपको टीबी है, तो बहुत ईजी है, 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, सिर्फ आपने 4 गोलियां खानी होती है और वो ट्रीटेबल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निंदा जो हमें प्लीज आप लास्ट में ये बता दें कि गर्मियों में स्पेशली जो है दांतों के हवाले से बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए? जी बिल्कुल, बच्चों को जो है वो प्रॉपर ब्रशिंग की हैबिट उनकी डेवलप करवा दी जाए, और इसके साथ साथ उनके लिए एक माउथ वॉश भी ले लिया जाए जो कि डाइल्यूट करके पानी में दें उनको। और इसके अलावा जो डाइट्री हैबिट्स हैं, उनके खाने की जो हैबिट है उसको बिल्कुल ठीक रखें। स्टिकी चीज़ें ना दें, शुगरी चीज़ें ना दें, एसिडिक चीज़ें ना दें, और हेल्दी फूड दें जिससे कि जो जिसको हम चबाते हैं ज़्यादा, क्योंकि जब हम चबाते हैं तो हमारा सलाइवा ज़्यादा निकलता है, और सलाइवा जो है वो एक प्रोटेक्ट करता है हमारे पूरे मुंह में कैविटीज से। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका भी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना बेहद आपने ख्याल भी रखना है, और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। और जो अवेयरनेस हम आप तक पहुंचाते हैं, कोशिश ये करें जब आप बैठ के डिस्कस कर रहे हो चीज़ों को, तो आप उन लोगों तक भी और दूसरों तक भी यही बातें पहुंचाएं, अपने बच्चों तक ये बातें पहुंचाएं, बच्चों के साथ प्रोडक्टिव बातें किया करें, उनके साथ जो अच्छी अच्छी बातें किए करें, जिससे उनका आगे फायदा भी और अपने लाइफ स्टाइल में भी फायदा। और आज जो मतलब मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा जो है दुआएं जो है अल्लाह ताला वो कबूल फरमाता है, हमेशा दुआएं करते रहें। और आज के दिन के तवसुल से ही हम आपको जो है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी। आप देखिए, الباري المصور الغفار القهار
फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सुभान अल्लाह, और बेशक दिलों को इत्मीनान जो है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के जिक्र से ही होता है। और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है, किस तरह से लोगों के काम आया जा सकता है, और बेहतरीन मदद जो है उसी वक्त होती है जब आप किसी प्रोफेशन में हो और उस प्रोफेशन के हवाले से जो है आप अपना काम भी कर रहे हो और लोगों का साथ साथ अपनी खिदमात भी अंजाम दे रहे हो। कहते यही है कि जब आप कुछ भी अर्न करते हैं, कुछ भी कमाते हैं, उसमें से हमेशा कुछ परसेंट लोगों के लिए भी आपने रखना जरूरी है। वो सारी कमाई आपके लिए नहीं होती है और अल्लाह ताला बरकत जो है उस माल में उसी वक्त लेकर आता है जब आप वही माल से दूसरों की खिदमत के लिए भी खर्च करेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर नहीं भी होता आपके पास इतना, तो उसमें से थोड़ा बहुत तो जरूर, अल्लाह ताला ने आपको कमाने का भी एक मौका दिया होता है, तो आप जब कमा रहे तो थोड़ा बहुत जरूर खर्च करें, साथ साथ अपनी जात को भी इसमें लेकर आए, अपनी जात को भी शामिल करें दूसरों की मदद के लिए भी। आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल बारी साहब जो CEO इंडस हॉस्पिटल हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शो में तशरीफ लाने का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आपकी खिदमात, आपका काम, जिस तरह से आप जो है लोगों के लिए बड़ी जो है बड़े अच्छे तरीके से खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि जो मदद करना है इसके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से मदद की जाए, किस तरह से लोगों के काम आया जाए और कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज हैं जिन पर वाकई जरूरत होती है काम की। देखिए, जैसे आपने भी कहा कि जो आप कमाएं उसमें से कुछ दें, असल बात यह है कि इंसान, हर इंसान के ऊपर ये किसी के मदद, जब आप इस किसी पोजिशन में हैं कि आप किसी की मदद कर सकें तो ये फर्ज ऐन है। आपसे इसकी पूछगछ होगी कि आपने, अगर आप किसी पोजीशन में थे आपको हेल्प करना चाहिए था, ये फर्ज कफाया भी है कि एक ने अदा कर दिया तो सबकी तरफ से हो गया, तो ये मैंडेटरी है कि ऑब्लिगेटरी है बेसिकली। और इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के हिसाब से, जहां पर 33% लोग जो है ना पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो कि जिनको शायद एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मयसर है,
तो जो मदद हम लोग, और दूसरी जो चीज़ है वो हेल्थ और एजुकेशन जो है ना, ये जो इश्यूज हैं जो कि कौमों को बनाते हैं और उसके ऊपर मदद की जा सकती है, करनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो ये बताइएगा कि कौन कौन से एरियाज आपको इस वक्त लगता है कि जिसमें जो है लोगों की खिदमात के लिए जरूरत होती है, और जहाँ पर वाकई जो है जो लोग हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको उनको वाकई जरूरत है? देखिए, अभी अगर आप देखें किसी भी, अगर आप मिडिल क्लास को भी देख लें जिसकी तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह भी हो, 2 बच्चे हों और अपना घर किराए का हो, तो वो भी, उसको भी अगर कोई बीमारी ऐसी आ जाए जिसमें जैसे कि दिल का आरजा हो जाए, जिसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत पड़ जाए, तो उसको अपनी कोई चीज बेच के ही कुछ करना पड़ेगा उसको। ऐसे तो ये सिर्फ गरीब लोग नहीं, मिडिल क्लास भी जो है ना, अगर कोई ब्लड अर्नर हो, उसको किसी को डायलिसिस पे चला जाए, मैंने खुद ऐसे मरीज देखे हैं जो पजेरो में आके डायलिसिस कराया करते थे, अब उन्हीं मरीजों को मैंने बसों से उतरते हुए देखा है, क्योंकि हर हफ्ते आपका 3 दफा डायलिसिस होना, उसका एक खर्चा है तकरीबन 12-13 हजार रुपए हफ्ते का खर्चा है, तो आपसे 48 हजार रुपए महीने का, और ये लाइफ लॉन्ग है। अब उसका हल सिर्फ ये हो सकता है कि ट्रांसप्लांट हो जाए, लेकिन फिर ट्रांसप्लांट की दवाइयां का भी खर्चा होता है, तो वो है, या एंडोप्लास्टी की जरूरत पड़ जाए तो एक स्टेंट लग जाए तो उसको तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए उसमें निकल जाता है, देना पड़ता है। बाईपास हो तो 3-3.5 लाख रुपए उसमें खर्च हो जाता है। तो उमूमन यहाँ पर जिस किस्म के लोग रहते हैं, जितनी गुर्बत है, तो हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि ज्यादातर अपना इलाज कराने के लिए अपनी कोई बिलोंगिंग बेचनी पड़ती है, चाहे वो अगर इंटीरियर का कोई होगा तो उसको अपनी भैंस, अपना बकरी, अपना गाय ये बेच के आएगा, या अपना घर बेच के आएगा। यहाँ पर भी ऐसे सवाल, कोई किसी को अपनी मोटरसाइकिल बेचनी पड़ती है, किसी को गाड़ी बेचनी पड़ती है। एक दफा जो चीज आपके पास आ गई और उसको अगर वो आपके हाथ से चली गई, तो फिर जिंदगी भर आप उसमें आप हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल, और स्पेशली एक एज होती है जिस इंसान जो है अर्न कर चुका होता है, उसके बाद वो जब बीमारी की तरफ आता है तो वहाँ पर वो वक्त आ जाता है कि वो अर्न नहीं कर सकता, लेकिन उसकी सेविंग्स उसके उस टाइम पे काम आए। लेकिन कितनी सेविंग्स है, तो वो जिस तरह आपने बताया कि एक शख्स जो है वो पजेरो में आते थे, लेकिन बाद में वो जो है, क्योंकि एक वक्त होता है वो भी उस काम का भी, तो वो उनकी अर्निंग जो है वो सारे उनके इलाज। और बहुत सारे, क्योंकि जब हम ओपीडी जिस दिन करते हैं उस दिन बहुत मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि और खास तौर पर जब आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, जहाँ पर सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, जहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई है, दाहौस से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर हर दूसरा मरीज एक हिस्ट्री, एक कहानी लेके आता है। मतलब यहाँ तक भी आप सोच नहीं सकते, यहाँ तक भी कि लोग ये भी कहते थे कि डॉक्टर साहब इसको मर जाने दें, मतलब अपनी जवान औलाद के लिए कोई कह नहीं, मतलब आप सोच सकते हैं कि उसकी बेबसी, उसकी मजबूरी, आप सोच सकते हैं कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ये कहता है कि अगर ये इस पे और कुछ करता हूँ तो मेरे घर पे जो 4-5 हैं उनको भी फिर फाकों से मर जाएंगे, तो एक को जाने दो, 3-4 बैच को बचा लूंगा। मतलब ये एक नहीं है, ये हजारों नहीं है, लाखों नहीं है, करोड़ों की ऐसी कहानियां हैं। बिल्कुल सर, ये बताएगा कि आपने भी जो है इंडस हॉस्पिटल में भी काम शुरू किया, ये दिल में कैसे बात आई कि ये करना जरूरी था? मैंने कहा कि जो अपने अपने प्रोफेशन में होते हैं वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो है फिर काम जरूर आगे करते हैं, स्पेशली लोगों की मदद जरूर करें, तो आप बींग डॉक्टर, फिर आपको जो है ये ख्याल कैसे आया, और आपकी पूरी टीम भी जो काम कर रहे हैं, तो किस तरह से काम शुरू हुआ? देखिए, एक तो ये है कि अंबा मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ पर मैंने जैसे बताया कि गरीब तरीन लोग आते थे और वहाँ बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल है, तो बेसिक दवाइयाँ मिलती थी, बाकी चीज़ें उनको बाजार से लानी पड़ती थी, तो इसी किस्म की जैसे मैंने बताया कि मरीज मिलते थे और जिनकी मजबूरियाँ, बेकसी देखते देखते, मेरे ख्याल में कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी बेहिस हो, वो इतना बेहिस नहीं हो सकता कि वो सोचे इसके लिए करे। तो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन हमने बनाई थी, उसके बाद फिर हमने सोचा था कि इसको आगे करेंगे, और फिर एहसास ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ब्यूरोक्रेसी से जो मुश्किल थी, तो एक दफ़ा जब सिविल हॉस्पिटल कैजुअलिटी बनाई, उसका इनाग्रेशन होने से एक दिन पहले जब वो उसका बोर्ड लग रहा था, तो हमने कहा था इंशाल्लाह जिंदगी में कभी मौका मिला तो एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहाँ पर जो है क्वालिटी केयर होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और दूसरी बड़ी चीज़ है जो आज हम जिस पोजिशन में हूँ उसमें, मेरे ख्याल में जो सारा क्रेडिट में हमारे वालदैन को जाता है, जिन्होंने ऐसी तरबियत की और हमारे लिए दुआ की कि ये खिदमत खल्क के जज्बे के साथ डॉक्टर बना। हम जब हर एक ये कहता है, लेकिन फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो मेजॉरिटी उस पर अमल नहीं करती। जी जी। तो मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि अपने आप को और मेरे साथी भी खुशकिस्मत हैं कि हमको अल्लाह ताला ने इस
इस बात पे रखा जो हमारे वालदैन की दुआएं कबूल हुई और हम उस रास्ते पे चले और उनकी जो अपने हिस्से का जो कहते हैं ना कि काम है, अपने हिस्से का जो लोगों की खिदमत अंजाम देने का काम है वो आप जो अंजाम दे रहे हैं। और स्पेशली आपने कहा कि जिस तरह से आपने देखा, उस देखकर उस चीज को फील किया कि कहाँ कहाँ पर किन किन चीजों के लिए बेइंतहा जरूरत है। अच्छा, एक तो ये चीज भी आती है कि आपने जो बीमारियां बताई हैं वो काफी बड़ी बड़ी बीमारियां जहाँ पे बहुत महंगे महंगे इलाज है, तो इसका जो इलाज है वो इंडस हॉस्पिटल के जरिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? बिल्कुल, देखिए कोर वैल्यू हमने शुरू से यही रखी थी कि हम क्वालिटी केयर करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग और हम लोगों से कोई सवाल नहीं करते हैं कि जी कोई ऐसी चीज है, उसमें यही है कि क्योंकि ज़कात का पैसा होता है और डोनेशन का होता है, मुस्तहिक ज़कात भी होते हैं और गैर मुस्तहिक ज़कात भी होते हैं। तो हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम यह है कि वो सिर्फ ये डिटरमिन कर ले कि इस पर ज़कात लगती है किस पर नहीं लगती, क्योंकि ये शरी रिक्वायरमेंट है हमको पूरा करना है, तो वहाँ पर तमाम चीज फ्री होती है, कोई कैश काउंटर भी नहीं है वहाँ। तो एक चीज हम जो देख रहे होते हैं वहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा होते हैं और जो भी सहूलत है वो भी जो है जरा कम है, तो उससे कुछ काम किया कुछ एक्सपेंड करने का? अभी 150 बिस्तर का हॉस्पिटल है और 2 करोड़ की आबादी, ये माइक्रो ड्रॉप है ओशन के अंदर। जी जी, तो शुरू में ये एहसास हो गया था इसको बढ़ाना है और फॉर्चुनेटली हमारे पास जमीन 20 एकड़ है। जी जी, और हमने अपना प्लान बना लिया है, इंशाल्लाह अगले 3 साल के अंदर इंडस हॉस्पिटल 150 से 1000 बेड पर चला जाएगा इंशाल्लाह। तो और फिर उसके बाद 2021 तक ये तकरीबन 1400 बिस्तर पे हो जाएगा और 2024 तक ये 1800 बेड से ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आपकी जो क्वालिटी है वो वेरी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी? देखिए, हमने जो बेंच मार्क रखा था ना वो ये रखा था कि जी ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ हम अपना इलाज करा सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने सरकारी स्कूलों को और सरकारी अस्पतालों को इस्तेमाल नहीं करते, अगर उनके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़े तो उसकी क्वालिटी सही रहेगी। तो वो बेंच मार्क ये रखा क्योंकि इंसान सब बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसको जो मुझे हक है किसी अच्छे इलाज का, तो मेरे बाकी लोग हैं उन सबको भी वही हक होना चाहिए। और इसमें तो बेसिकली और कुरान से जैसे ना कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, आप एक्सेलेंस से काम करें। और एक्सेलेंस ये नहीं है कि जी आप जो है ना कि जी एक्सेलेंस यही है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। वैसे तो मुसलमान हम बहन भाई हैं, तो मैं तो चाहूँ कि मेरा जो अमरीका के बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो और जो बाकी है उनका और वो क्वालिटी जो है वो क्वालिटी रखी है। और ये सिर्फ जबानी नहीं है, प्रैक्टिकली भी बिल्कुल। अच्छा, हम इससे और मजीद बात करेंगे कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, सलाम अलैकुम। नौरीन, वालेकुम सलाम जी, कहाँ आप बातें कर रही हैं? इधर उधर हमसे बात जी जी जी। वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप भी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगी? ये मेरी प्रोग्राम में फर्स्ट कॉल है, कभी भी मैंने किसी के प्रोग्राम में कॉल नहीं की, यही पहला प्रोग्राम है जिसमें मैंने कॉल की है। चलिए, आप तो हमारी जो बहुत खुशी हो रही है, हमें बड़ा बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल भी किया और आपने जो पार्टिसिपेट भी किया। बस हम ये कहते हैं कि आप जरूर कॉल करें, पार्टिसिपेट करें, हमें फीडबैक भी दिया करें, हमसे बात भी करें, अपना कुछ सवाल हो तो वो भी जरूर करें। तो हम मजीद डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे और स्पेशली अब ये जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में कौन कौन से इलाज होते हैं, जिसने आपने हार्ट का तो बताया और इंडस हॉस्पिटल में तमाम चीजें तमाम बीमारियों के इलाज होते हैं, सिवाय अभी 2 चीजों के नहीं होते जिसमें न्यूरो साइंसेज है कि अभी जो है ना फालिज का इलाज नहीं है क्योंकि न्यूरोलॉजी क्योंकि 150 बिस्तर हैं कम है उसमें। और आँखों का भी इलाज है, आँखों का भी है, ENT का भी है, जनरल सर्जरी भी होती है, बच्चों की सर्जरी भी होती है। एक हमारा और कराची में सेक्शन है चिल्ड्रन कैंसर हॉस्पिटल जो आयशा मंजिल के ऊपर है, उसमें बच्चों के कैंसर का इलाज ये होता है, बड़ों के कैंसर अभी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये जरा से जो अभी नहीं, लेकिन बाकी जो है तकरीबन सारे। अच्छा, एक सवाल और है कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से इलाके से या कौन कौन से शहर से ज्यादा लोग आते हैं, कराची के कौन से एरिया से ज्यादा लोग आते हैं? इस पर बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। अच्छा, अभी एक छोटा सवाल और कर लूँ, ठीक है, ओके। चलिए, इसी सवाल का जवाब जी, हमारे पास जो अबाउट 30% लोग तो हमारे लांडी कुरंगी से ही आते हैं और फिर रेस्ट 20% जो है ना 30% बाकी कराची से आते हैं और बाकी उसके अलावा जो 40% है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जो आते हैं, चाहे वो। चलिए, कंटिन्यू करते हैं आप, ठीक है, ओके। ब्रेक की जानिब जाएंगे।
टेलीविजन पैगाम रसानी का बेहतरीन और मौसर जरिया, न्यूज एंड करंट अफेयर्स टेलीविजन की रीढ़ की हड्डी और हालात से बाखबर रहने का वाहिद जरिया। खबर जब समाजों को टकराती है तो दरहकीकत हालात हाजरा के प्रोग्राम का जहूर होता है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव एट फाइव और मैं हूं इमरान। जो मौजूद के चुनाव, रिसर्च, मेहमानों के इंतखाब, सेट डिजाइन, मेकअप, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के मराहिल तय करके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आता है। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। Headline News is brought to you by UPhone. पाकिस्तान के कोने कोने में तेजी से फैलता हुआ UPhone 3G Network. अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ मैं हूं ज़ियाउर रहमान। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जलसों की मुहिम पर नहीं, तरक्की के सफर पर निकला हूं। खुशहाली की राह में रुकावट बनने वालों को आवाम उठाकर बाहर फेंक देंगे। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का हजारा मोटरवे के हवेलिया थाकोट सेक्शन का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब। वजीर आजम ने मानसहरा में मवासलात, तालीम और कुदरती गैस समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों रुपए मालियत के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। नया पाकिस्तान का दावा करने वाले अपनी कारकर्दगी बताएं, नवाज शरीफ। जब से ये जलजले आए हैं किसी ने उस पर काम नहीं किया। उस यूनिवर्सिटी को अभी 66 करोड़ रुपया दिया है थोड़े दिन पहले, 100 करोड़ रुपया और देने का ऐलान कर रहा हूं। वजीर आजम का हजारा यूनिवर्सिटी के लिए मजीद 1 अरब रुपए, तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद 2 गुना करने, एबटाबाद सर्विस रोड, मानसहरा बाईपास, काला ढाका को बिजली की फराहमी, जलजले से मुतासर सड़कों और स्कूलों की बहाली और कब्रिस्तानों के लिए जमीन की फराहमी का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी, वफाकी हुकूमत 8 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करेगी। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का मानसहरा में ऐलान। तनाज़ात और उनकी वजूहात के खात्मे से ही पायदार अमन मुमकिन है। तनाज़ात के मुतासिरीन की बेहतर जिंदगी के लिए कमीशन की इस्तेदाद में इजाफा होना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब डॉक्टर मलीहा लोधी का अमन साज कमीशन पर मुबाहसे में खिताब। पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस सरमायाकारी कंपनी का क्याम, पाकिस्तान, जर्मनी और बरतानिया के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत, कंपनी रवां साल जुलाई से काम शुरू कर देगी, वजीर खजाना इसहाक डार। मूडीज के बाद आईएमएफ ने भी पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। सितंबर में मौजूदा प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान को मजीद कर्ज की जरूरत नहीं, आईएमएफ। वफाकी हुकूमत ने आजाद कश्मीर हुकूमत को 300 अरब रुपए दिए, रकम इलाके पर खर्च होती तो आजाद कश्मीर के मसाइल हल हो जाते। चौधरी बिरजीत साहिर और डॉक्टर आसिफ किरमानी का बाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
قومی اسمبلی کے حلقے 267 جھلمکسی میں ضمنی انتخاب 112 پولنگ اسٹیشنوں کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ مسلم لیگ نون کے امیدوار خالد خان مکسی کو تحریک انصاف کے امیدوار سردار یار محمد رنج پر واضح برتری آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا جہلم کے قریب فوجی مشقوں کا معائنہ دشمن کے حملے کو جوابی اقدام سے ناکام بنانے کا عملی مظاہرہ حج درخواستوں کی آج ہونے والی قراندازی ملتوی قراندازی کی نئی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں کیا جائے گا ترجمان وزارت مذہبی امور اور فیصل آباد میں پاکستان کپ بلوچستان نے اسلام آباد کو دلچسپ مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے ہرا دیا مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان چکے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ایک بار پھر ناظرین اور یہ وہ صبح نو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباری صاحب سی او انڈس ہاسپٹل تو بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کس طرح سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور انڈس ہاسپٹل جو اس وقت کون کون سے ایریاز کو کور کر رہے کون کون سے ایسی بیماریاں جس جو بیسکلی یہاں پر جو جس کا علاج بھی موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سوال کیا تھا بریک سے پہلے کہ کن علاقوں سے زیادہ تر لوگ آتے ہیں تو کراچی کے بھی اور پورے ملک سے بھی کہاں کہاں تقریباً 30% لوگ جو ہے نا وہ لانڈی کرنگی کے ہیں اچھا اور 30% باقی کراچی سے آتے ہیں اور باقی 40% ملک بھر سے آتے ہیں مطلب چاہے اس میں خاص طور مطلب اتنا ایکسٹینشن ہے کہ افغانستان اور ایران کے جو ایڈوائننگ ایریاز ہیں وہاں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں اوکے ٹھیک ہے تو یہ باقی شہروں میں بھی ابھی ہم نے جو ہے نا اس وقت ہمارا کراچی میں 3 سینٹرز ہیں پی آئی بی کالونی میں ایک ڈائلسس سینٹر ہے اور ایک چلڈرن کینسر ہاسپٹل ہے اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے نا مظفر گڑھ میں ایک ہاسپٹل جو پنجاب گورنمنٹ نے ہم کو مینجمنٹ کرنے کے لیے دیا ہے لاہور میں ایک شروع کیا ہے لاہور میں زمین لے لی ہے اس پہ ہم 500 بیڈ کا ہاسپٹل شروع کر رہے ہیں پشاور کو میں ہم کو زمین مل گئی ہے اس کے علاوہ بھونگ جو رحیم یار خان سے 30 کلومیٹر آ گیا وہاں پر ایک بھی ہاسپٹل چل رہا ہے ہمارا جی اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی چیز جو ہم کر رہے ہیں جو کہ سینٹرلائز بلڈ بینکنگ کر رہے ہیں ایک بہت بڑا بلڈ بینک ہم نے بنایا ہے جو کہ وہ ٹوٹل والنٹری کے اوپر بیسس پہ چلتا ہے ابھی موجود ہے جی جی وہ موجود ہے اس پہ اور اس کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں اس پہ ہماری لوگوں سے اپیل یہی ہے کہ خون دے اچھا یہ بتائیے خون دینے سے لوگ ذرا ڈر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیوں ڈرتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو خون دے سکتے ہیں دیکھیے مس پرسپشن ہے لوگوں کی خون جو ہے نا 120 دن میں آپ کا خون تبدیل ہوتا ہے اور دینے سے یہ ہے کہ آپ کا جو بون میرو ایکٹیو رہتا ہے اور اچھا خون آپ کو آتا رہتا ہے جی نکل جاتا ہے اور دوسرے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جو آپ خون دیتے ہیں اس سے آپ 3-4 مریضوں کا فائدہ ہو رہتا ہے آپ کے ایک بلڈ سے ٹھیک ہے تو وہ ایج تک کے لوگ جو ہے خون دے سکتے ہیں ہم لوگ 18 سال سے لے کے کوئی 55 سال کی عمر تک لوگ دے سکتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں اچھا اگر کسی کو جو ہے ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو تو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو تو اس کا بھی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہیپاٹائٹس اے ہوا ہو تو اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی فرق لیکن ہیپاٹائٹس بی اور سی میں پھر اگر وہ پازیٹیوٹی آتی ہے تو پھر اس کا نہیں لیتے تو پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ سارے اسکرینڈ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ بھی ہو گئے تو خون دینے کے وقت بالکل ان کو آپ کی جو ہے نا ایک وہ اسسمنٹ بھی ہو جاتی ہے ہیلتھ اسٹیٹس کی تو آپ ڈونیٹ کریں گے تو آپ کا پوری اسکریننگ ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے اور اگر کوئی ہے تو پھر اس کا ایک علاج ہے تو پہلے سے پتہ
पता चल जाता है पहले से पता, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है ना उसके अलामत आपको नहीं होते और आप पॉजिटिविटी हो जाती है। तो कभी आपने किसी डेंटिस्ट के पास चले गए, उसने कुछ इस किस्म के इस्तेमाल कर लिए, या नाई के पास चले गए, उसने इन्फेक्टेड ब्लेड इस्तेमाल कर लिया, या कोई इंजेक्शन लग गया है किसी ने, बी और सी का इलाज है, उसका इलाज है बिल्कुल डेफिनेटली। अब तो और बेहतरी आ रही है इलाज में, तो अगर आपको ब्लड डोनेट करें और आपको पता लग जाए तो वो भी एक ब्लेसिंग है, ताकि आप उसको इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है ना, वो उसकी जो है ना वो शुरू में जाहिर नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म पे आपकी लिवर को अफेक्ट करती है। अच्छा, इस तरह। और अगर आपको पहले पता चल जाए, आप इलाज करा लें, तो फिर उसका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। और हमने ये सुना है कि जब हेपेटाइटिस सी हो या बी हो जाए, तो उससे आप जितनी ज्यादा गजा जो है उसका ख्याल रखेंगे अच्छा, उतना ज्यादा भी बेहतर भी होगा। अच्छा सर, आगे हम बात करेंगे स्पेशली कि आपने बताया कि अभी जो है कम जो है बेड वगैरह भी हैं, लेकिन आगे और एक्सटेंड करेंगे, अभी कराची की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से ये होगा, किस तरह से और कब तक ये जो है काम होगा? जैसे हमारा मैंने जैसे आपको कहा कि जो एक ही शिकायत जो आपसे बात हो रही थी, लोगों को एक ही शिकायत है कि यहाँ पर टाइम लंबा मिलता है। जी जी। और जैसे मैंने आपको कहा 150 बिस्तर, 2 करोड़ की आबादी, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास 20 एकड़ जमीन है, उसपे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। फेज वन की पाइलिंग खत्म हो चुकी है, आपको फेज वन के लिए ही हमको तकरीबन 13 अरब रुपए चाहिए। ओके, 13 अरब रुपए चाहिए, और इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब इसमें कितने, ये मुझे और इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद जो है ना, वो पुख्ता यकीन के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, कि ये काम हम सोच सकते, हम समझते हैं कि शायद नामुमकिन है। जब हम शुरू कर रहे थे तो मुझे लोगों ने कहा था 1 महीना 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में हमको 9 साल हो जाएंगे, किसी मरीज को वापस नहीं भेजा गया पैसे ना होने की वजह से। लोगों को इंतजार करना पड़ा है, और इसीलिए हमें खुद तकलीफ होती है। सुबह 4 बजे लोग लाइन में लगते हैं, और उसमें से कुछ लोग को वापस जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कभी कि किसी के इंतजार में किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, इमरजेंसी का कुछ अलग से? इमरजेंसी तो अलग है, इमरजेंसी 24/7 चलती है, और वहाँ पर प्रायोरिटी मिलती है जिसका इमरजेंसी को। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि जी हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं अपने इलाज में, लेकिन पैसे की वजह से किसी को क्यू को जंप करने की जरूरत, लाइन जंप नहीं कर सकता। जी जी, आपको प्रोसेस भी करना पड़ेगा, सिवाय एक ही चीज है इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी अगर आपको होगा तो वो क्यू को जंप कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी की भी हमारी एक लिमिट है, मतलब हमारे पास तकरीबन 600 मरीज रोज इमरजेंसी में आते हैं, और मेरे पास 20 बेड होते हैं जिसको मैं इमरजेंसी में फिल कर सकता हूं। कौन सी बीमारियां आप समझते हैं ज्यादा इस वक्त है? लेकिन अगर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से उसका ख्याल रखें कि इंसान इतना शदीद बीमार ना हो। जी बिल्कुल, हमारा एक तो देखें जो सबसे बड़ा वाटर बॉर्न डिजीजेज बहुत है, पानी साफ नहीं है, आपको पता है किस तरीके से, और 70% बीमारियां पानी के खराब पानी पीने से हो जाता है। उसको उसका ऊपर पानी की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, डायरिया है आपका, टाइफाइड है, कॉलरा है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए उस चीज की वजह से होता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो कि सिर्फ पानी की वजह से हो रही हैं, उसको सही तरीके से न करें। और इसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज बहुत आते हैं, जैसे मलेरिया बहुत है, मच्छर काटने से है, हमारे पास हेपेटाइटिस के मरीज बहुत है, हमारे किडनी के पेशेंट, बचाव हो सकता है लेकिन अगर प्रिवेंट कर लें, इसको प्रिवेंशन से कर लें हम लोग, हॉस्पिटल से बोझ नहीं पड़ेगा ना, ज्यादा इतने मरीज आ जाते हैं। देखें इस मामले में बड़ा क्लियर है कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे अगर हम जोर दें, वहाँ पर पैसा कम लगेगा और मासेस को फायदा हो जाएगा, और टर्शियरी केयर वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। लेकिन एहतियात उससे जो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन कर लेना, लेकिन ये समझ लेना अनफॉर्चुनेटली आप बहुत सारी चीजें लोगों को बम्बार्डमेंट आप भी टीवी पे कह रही होती हैं, उसके इश्तेहार भी चल रहे होते हैं, लेकिन लोग इतने एडमेंट होते हैं कि सिगरेट में दस सिगरेट पीता रहूंगा, मतलब ऑपरेशन करा लेते हैं बाईपास का, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर शुरू। तो मतलब अपनी जिंदगियों से मत खेलें, आपकी और मेरी जिंदगी अकेली नहीं है, मेरे पे और आपके ऊपर, फिर मेरा पूरा खानदान है, मेरा खानदान है। अगर एक मैं ब्रेड अर्नर हूँ, एक ब्रेड अर्नर बच जाए तो पूरा खानदान फुटपाथ पे आ जाता है। तो
अपना अगर ख्याल नहीं है तो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का ख्याल करें, क्योंकि ये आप पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज पे जो है, जैसा हम हमेशा बताते हैं आपको कि किन किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है, कौन कौन सी चीज, अभी पानी के हवाले से बताया तो बॉइल करके पानी पिएंगे तो वैसे ही आपका जो है फायदा हो जाएगा, बीमार नहीं होंगे। क्यों हम ये चाहते हैं कि हम खुद बीमार हों? अगर मलेरिया से आपने बचना है तो मच्छर जो है वो आप उसके काटने से बचें, इर्द गिर्द स्प्रे अच्छा करवाएं, सफाई भी रखें, और साथ साथ ये कि अगर आपका कोई भी सामने ऐसी कोई जिस तरह कचरा वगैरह होता है उसको आप अपने मोहल्ले में ना रहने दें, क्योंकि जितना कचरा होगा उतनी ज्यादा बीमारियां भी फैलेंगी। तो ये तो वाली बीमारियां होगी जो बहुत कॉमन और छोटी बीमारियां जिसकी वजह से जो है जो बड़े बड़े जो बीमारियां होती हैं जिनको जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनको डायलिसिस जिनको कराने हैं, किडनी प्रॉब्लम होगी, ज्वाइंट के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ ज्वाइंट के प्रॉब्लम मतलब नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये चीजें जो है ना, एक तो अपनी एहतियात करना, एक्सरसाइज करना ये जरूरी है, क्योंकि ये प्रिवेंट करेंगे, जैसे मैंने कहा प्राइमरी प्रिवेंशन पे करेंगे तो हमारे ऊपर लोड कम होगा। अच्छा बताएं कि एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी? वॉकिंग सबसे बेहतर है, स्विमिंग वॉकिंग ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें, और एरोबिक आप कर लेते हैं या योगा जो है ना उससे भी आपकी काफी, योगा इज अमेजिंग वैसे। जी जी जी। अच्छा ये बताएगा कि लास्ट ईयर भी जो है हीट स्ट्रोक का बड़ा एक वो हुआ था कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, अभी भी हम यही देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा, इसके लिए कुछ इकदाम आपने किए थे? जी हमारा तो हमने फौरन इमीडिएटली पिछले साल जब हुआ था तो फौरन विद इन आवर्स हमने पूरा एक हीट स्ट्रोक यूनिट बना दिया था, और इस दफा तो हम पहले से, पिछली दफा तो नागानी आ गई थी ना, पता भी नहीं था और रमजान भी था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हवा चलती थी तो हवा ही चलना रुक गई। बिल्कुल जी। तो इस दफा के अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी सबकी पहले से प्रिपरेशन हो रही है, तो वो, और फिर मीडिया पे भी लोग बता रहे हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन करना है, सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है, और अस्पतालों में तैयारी मौजूद है सबकी, हम लोग भी तैयार हैं कि जी अल्लाह ना करे कि वैसी चीज हो जो कि पहले हुई है। हाँ जी। और मेरे ख्याल में लोग भी अब एहतियात करेंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, प्रिवेंशन क्या क्या करने चाहिए हीट स्ट्रोक के हवाले से? जी प्रिवेंशन एक तो ये है ना कि आप गैर जरूरी तौर पर धूप में निकले नहीं, अगर निकलें तो अपने आप को कवर करके निकलें, जो जैसे सर पे कोई कपड़ा रख के निकलें, कोई थोड़ा सा गीला कपड़ा हो तो अच्छा है, नेक को कवर करके निकलें, नेक को कवर करके निकलें। पानी अपने पहले से, दिन में पानी ज्यादा पिए आप लोग, हम लोग यूजली काम में रहते हैं ना तो अपने आप को पीते नहीं, तो पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, तो तकरीबन कम अज कम 15-20 ग्लास आप पिए दिन के अंदर तो वो बहुत जरूरी है, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के भी, ताकि आपके अंदर नमकियात की भी कमी होती है बेसिकली। नमकियात भी एक चीज है कि जितना जो देसी नमक होता है, जो समुद्री नमक या उसको कहेंगे लॉरी नमक जो होता है, वो अगर चुटकी भर डालें और थोड़ी सी चीनी और डाल के, वो बड़ा अच्छा घर की बात है, मतलब उसमें तो कोई चीज, मतलब कोई महंगी चीज नहीं है, तो महंगी चीज भी नहीं है और हेल्दी भी। बिल्कुल। अरे ये क्या फर्क होता है देसी नमक, कोई स्पेशल कुछ नहीं, कोई नमक वही चीज है, कोई इसमें नहीं है ORS को, आपको उसमें डिफरेंट और चीजें भी हो जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन एटलीस्ट पानी का इस्तेमाल आप अच्छी तरह कर रहे होंगे, और गैर जरूरी तौर पर इसी चीजें जगहों पे नहीं जा रहे, मतलब धूप में निकलने का आपको किसने शौक है कि आप निकले, अपने आपको प्रोटेक्शन करके और जाके साय में ज्यादा रहे। अगर जो काम वाले भी हैं, जो जिनको काम करने के लिए निकलना पड़ेगा, तो बीच बीच में किसी छाए में बैठ गया। मैंने एक बार भी पिछले दिनों एक सब्जी वाले को देखा था, उन्होंने क्या किया कि ना ऊपर कपड़ा लेके ना थोड़ा गीला करके बार बार वो सर पे जो है ना वो बांध लेते थे, क्योंकि उनको हीट पे चलना होता है। तो ये भी एक है कि छतरी भी साथ में रखें, लोग बड़ा हैरान होते हैं जी छतरी की वजह से बारिश के लिए होती है, बारिश के लिए धूप के लिए भी होती है, प्रोटेक्ट करें छतरी से। ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाने की बात होती है जरूर करें, क्योंकि जहां पर आप ये देखेंगे नीम सा दरख्त होता है या बहुत छांव होती है जहां मिलती है, वहां पर जो है वैसे ही बैठने का भी दिल करता है। सायादार दरख्त जो है वो सदका जारिया पे तो जरूर दरख्त जो है वो होगा। एहसन की कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और आपके मेहमान को भी बहुत बहुत सलाम, और तुम आप लोगों को जुमे तो मुबारक की बहुत मुबारकबाद। आपके यहाँ माशाल्लाह इतने अच्छे टॉपिक आते हैं जिससे लोगों को इतनी आगाही होती है, तो उनकी तालीम सेहत और आम फलाह बहबूद के हवाले से डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी बड़ी खिदमात है। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से भी इन्होंने बहुत कुछ किया, और अब इंडस हॉस्पिटल बड़ी खिदमात अंजाम दे रहा है। एक तो मेरा ऐसे सवाल ये है कि इंडस अस्पताल में किन किन बीमारियों का इलाज होता है?
दूसरा ये कि कराची में इनका जो अस्पताल है, वैसे तो अल्लाह ताला महफूज रखे सबको अस्पतालों के चक्करों से, लेकिन अगर किसी को जाना पड़े अस्पताल किसी का वाकई, और इसकी कितनी ब्रांच, कोई ब्रांच वगैरह भी है या नहीं। चलिए ठीक है, अभी आपको बताते हैं इन डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, वालेकुम अस्सलाम साहब, शुक्रिया आपके कॉल करने का। कराची में हम हॉस्पिटल कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर है इस वक्त, और एक पीआईबी कॉलोनी में डायलिसिस सेंटर और फैमिली मेडिसिन का क्लिनिक है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर न्यूरो साइंसेज और एडल्ट ऑनकोलॉजी या कैंसर के अलावा बाकी तमाम चीजों का इलाज होता है। ठीक है, और ये जो है ये आपने बताया कोरंगी में, ये जो है कोरंगी क्रॉसिंग के ऊपर, क्रॉसिंग के ऊपर है, बड़ा आसान रास्ता है, सीधा आप जाए तो सामने नजर आ जाता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। और जो है बस यही बात आती है कि लोगों का वहाँ पर जाना किस तरह से हो, वहाँ पर क्या नंबर लेना पड़ता है पहले से, या पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कैसे लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन लोगों को एक समझ लेनी चाहिए कि एक दफा, मतलब जो तकलीफ होती है ना, जो सुबह 4 बजे लाइन लगती है, वो जिंदगी में एक दफा करना होता है। एक दफा होता है ना, क्योंकि आपका एक वहाँ पर पूरी डिटेल दी जाती है, पहले आपका कार्ड बन जाता है, एमआर नंबर बन जाता है, फिर उसके बाद बाय अपॉइंटमेंट होता है। आपको कोई तकलीफ होती है बाय अपॉइंटमेंट होती है, इमरजेंसी होता है इमरजेंसी में चले जाए। ठीक है, तो इसलिए एक दफा आपका कार्ड बन जाए फिर उसके बाद चीजें आसान है, क्योंकि हमारा ये है कि हम क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं करते, हम क्वालिटी की बात करते हैं। मतलब अगर इलाज करें तो क्वालिटी का करें, चाहे थोड़ा कम लोगों का कर लें, तो वो उससे फिर देरपा चीज होती है। नहीं तो अगर हर एक को भी थोड़ा थोड़ा करें फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो उसमें सुबह आना पड़ता है, वो एक दफा आपका कार्ड बन गया, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है अगर आपको जरूरत है किसी कंसल्टेंट की, नहीं तो वहीं पर फैमिली मेडिसिन वाले ही इलाज तजवीज कर देते हैं उनका कि कौन से जो है डॉक्टर को दिखाना है, क्या मसला है। अच्छा, तो ये जिस डायरेक्ट बच्चों को जो मसाइल होते हैं उसके हवाले से चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी वहाँ पर है। जी जी, हमारे पास चिल्ड्रन के भी हर चीज मौजूद है, एक जनरल पीडियाट्रिक्स भी है, बच्चों की यूरोलॉजी भी है, बच्चों का पीडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स का भी काम होता है वहाँ पर, जैसे चिल्ड्रन कैंसर की मैंने बात की थी, वो कई बच्चों की सर्जरी भी होती है वहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही तमाम चीजें होती हैं बच्चों की जो कि बड़ों की होती है, सिवाय न्यूरो के अलावा। और बच्चों में ये एडेड है कि बच्चों का कैंसर का भी इलाज होता है, बच्चों के कैंसर का इलाज, बड़ों के नहीं होता है लेकिन बच्चों के कैंसर का इलाज होता है। आप क्या चीज समझते हैं कि जिस तरह जो अभी तो आपने ये वाली बात बताई कि कौन कौन सी बीमारियां जो है वो कॉमन जो है उसका जो है ख्याल रखा जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी बीमारियां और ज्यादातर हो रही है लोगों को? देखिए, दिल के शुगर का मर्ज जो है ना एक रैम्पेंट है यहाँ पर, हर 8वें आदमी को शुगर है इस मुल्क में। हम लोग अगर देखें ना तो अच्छाइयों में तो दुनिया में बिल्कुल लोअर लेवल पे हैं, लेकिन मैटरनल मॉर्टेलिटी हमारे यहाँ सबसे हाई है, जो दुनिया के 3-4 मुल्कों में आते हैं जो सबसे ज्यादा है। बच्चों के मॉर्टेलिटी है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी में है। फिर इसके अलावा जो है ना शुगर हमारे यहाँ बहुत है, ब्लड प्रेशर बहुत है, कार्डियक प्रॉब्लम्स बहुत है, और ये सारी वो चीज जो कि प्रिवेंट हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि जो लग गई, ये प्रिवेंटेबल है इसके ऊपर, और फिर कंट्रोलेबल भी है। देखें, अगर किसी को शुगर हो गई, वो अगर डॉक्टर की बात को समझे, अपने शुगर को कंट्रोल रखे, उसको किडनी का मसला नहीं होगा, उसको आंखों के मसले नहीं होंगे, उसको तो बहुत सारी और बीमारियां हैं। लेकिन अगर अनकंट्रोल रखे, अगर कंट्रोल रखे ना तो इंडस्ट पे बोझ कम हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये शौक जो होता है ना इंसान का, या मुंह का जायका जो है वो बीमारियों की तरफ बढ़ा दिया था। हमें बाहर खाने का शौक है, क्या खाना पक रहा है, क्या नहीं पक रहा, बाहर कैसे बना रहे हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुंह का जायका अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात जो है ना हमारे यहाँ जो है ना वो लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत है। जी जी, पहले जो है ना हम बहुत जगह पैदल जाया करते थे, अब तो सदर से रीगल भी जो है ना बस में जाता है, वो टिकट भी नहीं देता, ऐसी जाता है फुटपाथ पे। मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोग जो है ना सदर से टावर तक पैदल जाते थे सारी चीजें, अब तो हमारी कोशिश ये होती है कि मुझे किसी तरीके से बेडरूम के दरवाजे पे गाड़ी उतार दे, मतलब अगर किसी बस में ना हो तो वहां तक चला जाए। पहले वॉशरूम्स कम होते थे, अब तो बेड से उतरे नहीं, वॉशरूम अटैच बाथ है, सब कुछ है, तो आपकी मूवमेंट वैसे ही बहुत कम है। पहले लोग खाते थे, असली घी भी खाते थे, लेकिन वो जलाते थे, उसको जलाते थे, कोई चीज मना नहीं है। लेकिन अगर आप उसको
कंज्यूम कर लें, आप उसको एक्सरसाइज करते हैं। इसका मतलब हर चीज जो है वो एक्सरसाइज से रिलेट करती है, हर चीज रिलेट करती है। एक्सरसाइज में आपने कहा कि योगा भी है, वॉकिंग भी है, स्विमिंग भी है, स्विमिंग भी है, ये सारी चीजें जो है ये इससे रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये कि अपना प्रिवेंशन भी इतनी आसान प्रिवेंशन है, और इन चीजों में ये भी नहीं है कि आप इंजॉय ना करें, एक्सरसाइज में भी इंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एक होता है ना पुश करने वाली बात होती है, अपने को डिटर्मिनेशन चाहिए होती है इंसान को। देखें आप डिसिप्लिन लाइफ करेंगे ना, और दूसरी बात ये कि हर चीज एतदाल में करें ना। वो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बस चार घंटे एक्सरसाइज करें, नहीं, उसका भी एक लिमिट है। इसी तरह खाने में भी लिमिट है। जो सुन्नत ने कहा एक एक हिस्सा खाली रख के खाओ, खाली रख के खाओ, तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, लोगों को, लोगों की मदद के हवाले से जो है कोई मैसेज देना चाहेंगे, आप खुद इतनी खिदमत कर रहे हैं। देखिए एक तो यह है कि हमको अपना जो भी है, जो जो जिस तरीके से दामे दर में सुखते हैं, जो कर सकता है इंसान वो करना चाहिए। इसीलिए ये अस्पताल डॉक्टर बारी उसकी टीम का नहीं है, हम सब का है, और हम सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई पैसे की कोई लिमिट नहीं है, मतलब एक रुपया भी डालेंगे तो उससे भी किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा, हजार रुपये भी डालेंगे तो मिलेगा, लाख रुपये भी डालेंगे तो मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा इस वक्त माहाना खर्च 15 करोड़ रुपये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहीं के लोग 95% लोग पाकिस्तानी ही इसको पूरा करते हैं, हेल्प आउट भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही करते हैं उसमें हम। और इंशाल्लाह आप जो एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत मदद, इंशाल्लाह उसमें कोई वो नहीं है। अब आप किसी को अपने सदका जारिया के तौर पर कोई चाहे तो एक बेड 15 लाख रुपए जिसकी कंस्ट्रक्शन पे कॉस्ट चाहिए वो कर दे, तो उसका हयात जब तक ये कायम है उसका सबका जारी काम जो है वो आता चलता रहेगा। क्या बात है, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। साथ साथ हम एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है जिन्होंने हमारे लिए ये आप देखिए कितना खूबसूरत डिटाइल बनाई है, आसिफ साहब हैं जिन्होंने बनाया है ये वो सुबह 9 पीटीवी न्यूज का, उन्होंने जो है पूरा ये इट्स ब्यूटिफुली डन। हमारे मुल्क में क्रिएशन की, क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, एंड थैंक यू सो मच, ये आपने जो है इतना खूबसूरत जो ये हमारे लिए टाइल बनाया, दिस इज ब्यूटिफुल एंड सच क्रिएटिव टाइल, दिस इज अमेजिंग। और इसकी जो क्वालिटी, जिस तरह से इन्होंने जो है ये जो स्टोन यूज किया, बड़ा मतलब बहुत बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये हम ये कहेंगे कि द क्रिएटिविटी एक्चुअली शोज ऑन दिस थिंग। और ये जो है ये हमारे लिए ये वो सुबह 9 है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज जो है प्रोडक्टिव और क्रिएटिव चीज जो जरूर आप करते हैं, और इस दफा आपने जो है ये टाइल दी, पहले आपने मग्स भी बड़े जबरदस्त दिए थे, तो बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। ये आपका जो है लगन है, प्यार है, मोहब्बत है हमारे शो के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा रिजवाना है, जरा उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? ठीक ठाक है जी। रिजवाना जी, बस नाजिया भाई आपकी गैस को देख के दिल चाहा बात करने को, क्योंकि मेरे लाइट नहीं थी, अभी आई है। आप बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखे बहुत खुशी हुई, और मुझे उम्मीद थी कि अब आप आएंगे इसी चैनल पे जरूर ना। और मेरा मैसेज बस यही है कि मेरा एक्सपीरियंस हुआ था आपके हॉस्पिटल में जाने का, और मैं ये मतलब कॉलर एज ए कॉलर बताना चाहती हूँ लोगों को कि माशाल्लाह से, मैंने तो सुनी नहीं आपकी बातें, लेकिन मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बाकी बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ के इंतजाम हैं, किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे यकीन करें बहुत खुशी हुई, बहुत दुआएं आपके आपके दायरे के लिए। और मेरा एक मैसेज है कि बड़ी रकम का इंतजार ना करें कि आपके पास लाखों होंगे तो आप डोनेशन डालेंगे, अगर आपके 10 रुपए भी होंगे तो हो सकता है उसकी उसके 10 रुपए से आपकी सिरिंज भी आ जाए आप किसी के लिए ना। तो मेरा एक मैसेज है, बहुत खुलूस से बहुत सारी दुआएं आपके इदारे के लिए, और इसी तरह से आप काम करते हैं। मैंने देखा जाके वहाँ पे बहुत सारा मतलब काम हो भी रहा है, तो मैं अपनी इस आवाज से बताना चाहती हूँ कि बाकी बहुत अच्छा सब कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे इसके हवाले से? ऐसे ही लोग हैं, देखिए मैंने यही कहा था ना कि ये लोग आप जिसको, और मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ कि ये अस्पताल हमारी कावशों से नहीं चलता, ये मरीजों की दुआओं से चलता। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो जरूर कंट्रीब्यूट करें। और कई ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर आकर देखते भी हैं कि हॉस्पिटल कैसा है, आके जरूर कंट्रीब्यूट करें। और कई ऐसे मरीज जो जिनका इलाज हो रहा है और वो नहीं इतने पैसे दे पाते, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई उनके फैमिली मेम्बर या कहीं ना कहीं कुछ ना कोई ना कोई जरूर लोग होंगे, तो वो भी जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करें कि जो है इलाज के लिए जो है अगर कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं
बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला और बरकत दे और आपके काम को आगे बढ़ाए। और जो है ना, मरीजों से हम अगेन ये कहेंगे कि अपना इलाज तो आप करा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी अवेयरनेस दें कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जो बीमारी बढ़ सकती है। तो आपने जो प्रिवेंशन पहले करना है, कोशिश ये करें, कोशिश करने में हर्ज नहीं होता कि आप बीमार ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, और इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड को जबरदस्त गुजारिएगा, और अगर एक्सरसाइज नहीं शुरू की है तो आज से शुरू कर दें, आज ही से काम शुरू करें, कल पे ना छोड़ें। नाज़रीन मलिक और टीम को दीजिए इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद।